Hello everyone, today we are going to revise our chapter electricity. So we will start from electric current. So current hota kya hai? The amount of charge flowing through a conductor in a unit time. Jitna bhi aapka charge flow hota hai kisi bhi conductor mein se 1 second ke andar, wo kiske barabar hota hai? Electric current ke barabar hota hai. So let's understand. मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी conductor है AB, जिसको आपने connect कर रखा है किसी भी cell के साथ. ये cell का positive electrode है और ये negative electrode है. ओके, और इस cell का जो potential difference है वो किसके बराबर है? V के बराबर है. अभी potential difference क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं एक बार. अब आप जो नॉर्मली सेल परचेज करते हो मार्केट से, आपने देखा होगा उसके ऊपर 1.5 वोल्ट मार्क होता है. इसका मतलब क्या है? अगर आप इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कंसीडर करोगे जीरो पोटेंशियल, तो इस पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल क्या होगा? 1.5. अगर आप इसे एक्स कंसीडर करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1.5. मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा कितना 1.5 किससे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से. ओके, तो इसी तरीके से अगर आप इसको जीरो कंसीडर कर रहे हो तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी. तो ए एंड किससे कनेक्ट है? वी से कनेक्ट है. और जो हमारा बी एंड है वो किससे कनेक्ट है? जीरो से कनेक्ट है. तो यहां पे पोटेंशियल कितना है? वी. और यहां पे क्या है? जीरो. तो आप क्या देख रहे हो? इस कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो चुका है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर. ओके, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स की वजह से जो मेरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मूव करेंगे ए टू बी, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है मूव करेंगे बी टू ए. ओके, तो मान लेते हैं किसी भी टाइम डेल्टा टी के अंदर हमारा डेल्टा क्यू चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर गया. ठीक है, मतलब मेरे पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और डेल्टा क्यू चार्ज पास होगा डेल्टा टी टाइम के अंदर. ओके, तो हम क्या बोलेंगे? एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. और वो बेसिकली किसके बराबर होता है? हमारे करंट के बराबर होता है. ओके, तो आप यहां पे जो फॉर्मूला देख रहे हो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये बेसिकली आपका एवरेज करंट का फॉर्मूला है. ओके, अगर आपको करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी हो तो उसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप इस क्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हो, किसी भी टाइम टी पे करंट निकाल सकते हो. ओके, अब हम लोग जो करंट है उसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर, और जो डायरेक्शन होती है करंट की वो सेम होती है जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की. अगर आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट भी इस तरफ मूव कर रहा है. अगर आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव करेंगे तो करंट भी आपका इस तरफ मूव करेगा. ये बेसिकली साइन कन्वेंशन है जिसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक. ओके, अब दूसरी बात क्या है? देखो, अब करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी जो हमारा करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा करंट है वो बेसिकली वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. ठीक है, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई भी एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, अगर एक फोर्स अप्लाई कर दूं 5 न्यूटन का ऊपर की तरफ और एक फोर्स अप्लाई कर दूं 5 न्यूटन का नीचे की तरफ, तो आप क्या बोलोगे कि नेट फोर्स कितना होगा इस पे? जीरो. ओके, बट अगर हम देखें करंट के केस में तो क्या होता है? अगर मान लो ये मेरे पास 2 एम्पीयर करंट है जो कि नीचे मूव कर रहा है और 2 एम्पीयर करंट ऊपर मूव कर रहा है, और एक यहां पे थर्ड वायर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां से कितना करंट पास होगा हमारा? 4 एम्पीयर. ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये यहां पे वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. वेक्टर्स लॉ क्या बोलते हैं? अगर यहां पे 2 ऊपर की तरफ है 2 नीचे की तरफ है तो नेट क्या होना चाहिए था? जीरो. बट यहां पे वो किसके बराबर है? 4 एम्पीयर के बराबर है. तो दैट्स व्हाई द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो व्हाट नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अब हम लोग ना कंडक्टर को ऑब्जर्व करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, मतलब हमने किसी भी तरह का कोई सोर्स कनेक्ट नहीं कर रखा कंडक्टर के साथ. ओके, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी कंडक्टर रोड है, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो अंदर मूव कर रहे हैं जिस तरीके से आपके गैस के पार्टिकल मूव करते हैं कंटेनर की तरह, उनका मतलब कोलिजन होता है कंटेनर के साथ, उसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं. ओके, अब होता क्या? देखो, अब ये मान लो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मान लो यहां से स्टार्ट किया, ये इधर क्या पहले यहां पे से कोलिजन हो गई, फिर मान लो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहां पे कोलिजन हो गई, फिर इस तरफ चला गया, फिर यहां पे कोलिजन हो गई, फिर इस तरफ चला गया, फिर यहां पे कोलिजन हो गई, फिर इस तरफ आ गया, और फाइनली यहां पहुंच गया दोबारा. मतलब जहां से इसने स्टार्ट किया था ये अल्टीमेटली वहीं पे पहुंच गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो. ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो. क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो होगी आपकी. अगर हमारा पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा तो करंट भी क्या होगा इस केस में? जीरो. अगर पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा अपनी पोजीशन से तो उसकी वजह से करंट भी क्या हो जाएगा हमारा? जीरो. ठीक है, बट हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जीरो है बट स्पीड नॉन जीरो है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे? थर्मल स्पीड बोलते हैं, और थर्मल स्पीड बेसिकली किसके बराबर होती है? 10^5 मीटर पर सेकंड के. ओके, ठीक. अब ये थर्मल स्पीड का बेसिकली कॉज क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब हमने क्या करा इस केस में, किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया किसी भी सेल के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. अब देखते हैं इस केस में क्या होगा. ठीक है, मान लेते हैं कि जो मेरा पहला इलेक्ट्रॉन था, पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले इस तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, फिर इस तरफ आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर गया था, और फिर फाइनली इधर गया, फिर फाइनली यहां पर आ चुका था. ओके, ये इनिशियल पाथ था इन द सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्या होगा? देखो,
अब देखो जो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो भी मेरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। आप इसको बोल सकते हो इजिली, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, तो ये जीरो, ये V, तो यहाँ पे V और यहाँ पे क्या है जीरो, तो ये मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे और यहाँ पे मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली मूव करते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, ओके। और ये जो मोशन है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पहले था इन द सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड, ठीक है। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है पॉजिटिव एंड की तरफ, वो इधर मूव कर गया, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पे कोलिजन हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया, ठीक। फिर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, ओके। फिर यहाँ पे कोलिजन हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर इस तरफ मूव करा, और अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पहुँच गया कुछ, ठीक है। उसकी इनिशियल पोजिशन कुछ ये थी, उसको मैं बोल रहा हूँ ओ, और फाइनली जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ चुका है ओ डैश पे। तो आप क्या देख रहे हो, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कुछ शिफ्ट हो चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ या ये टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ओके। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, ओके। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, वी डी इज इक्वल टू ई इंटू में कैपिटल ई अपोन में एम इंटू में टाउ, ठीक है। यहाँ पे टाउ क्या है हम लोग सब चीज देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा अपोजिट होगी किसके, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। यहाँ पे जो आप साइन देख रहे हो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे टाउ क्या है इसको हम समझते हैं अच्छी तरह, ठीक है। आपको ये सब पता है कि ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ यहाँ पे क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ओके। तो आप क्या देखते हो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है कोई भी, ठीक है, ओके, ये दूसरा कोई मान लो आयन है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका यहाँ पे कोलिजन हो गया, अब मेरा इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरफ मूव कर रहा है, इसका एक कोलिजन मान लो यहाँ पे हो गया। अब यहां से लेके यहां तक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलैक्स रहा है, मतलब उसका कोलिजन किसी के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। इस टाइम इंटरवल को आप क्या बोलते हो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द टाइम लैप्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं, ओके। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ से, ओके। तो आपके छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। एक छोटा सा रिलेशन है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ओके। तो ये रिलेशन है करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। यहां पे एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी, ये आपको पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए बेसिकली क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी यहां पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग ना समझते हैं इस वी एन को, समझते हैं अच्छी तरह। देखो एन क्या होता है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आपके चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही बेसिकली आपका क्या है, नंबर डेंसिटी, ओके। तो ये मेनली आपको गिवन होगा, तो आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, आई इज इक्वल टू एन ई ए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। हम लोगों ने मटेरियल को क्लासिफाई किया है ऑन द बिहाफ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है, कंडक्टर, सेकंड क्या है, इंसुलेटर, एंड थर्ड क्या है, सेमीकंडक्टर। देखो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो मटेरियल है जिनके अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई भी एक न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस सेल है, वैलेंस ऑर्बिट है, और यहाँ पे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर ही क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो जाएगा इस ऑर्बिट से, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल देते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हो,
ठीक है, मतलब इसने टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कुछ हीट एब्जॉर्व करी, उस हीट एनर्जी की वजह से ये अपने आप इस सेल को छोड़ के चला गया और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। ओके, अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर में आपको किसी भी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है और ये मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है कोई भी। ठीक, अब यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा डाटा अगर आप इससे समझ पाओगे कि इंसुलेटर होते क्या है। ठीक है, अगर आपको किसी भी ग्लास के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको 10^7 वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब इतना आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा तो आपका जो ग्लास है वो बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह। बट ये जो आप पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोल देते हैं, किसी भी तरह के आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपके वो मटेरियल है, ठीक है, एट द लो टेम्परेचर वो बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, मतलब किसी भी तरह का वो कंडक्शन शो नहीं करते, बट एट हाई टेम्परेचर वो बिहेव करने लगते हैं कंडक्टर की तरह। मतलब होता क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की और एक टर्म आता है होल, ठीक, उनकी नंबर डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती जाती है जिसकी वजह से आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है, एट ए हाई टेम्परेचर ये कैसे बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह और लो टेम्परेचर पे बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। ठीक है, ऐसे मटेरियल को आप लोग बोलते हो सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल हो गए सिलिकन, जर्मेनियम, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। अब देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, मान लो मुझे किसी भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग समझते हैं डेफिनेशन से। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट डिफाइन एज द करंट पर यूनिट एरिया एंड एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो करंट डेंसिटी है क्या, मान लो मेरे पास कोई भी कंडक्टर है इस तरीके से और मुझे मान लो करंट डेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पी पे, तो हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा एरिया यहां पे कंसीडर कर लिया डेल्टा ए और इस डेल्टा ए में से आपका डेल्टा आई करंट पास हो गया, मतलब टोटल करंट मेरे पास क्या था आई और इसमें से कितना पास हुआ आपका डेल्टा आई पास हो गया। ठीक, अगर मैं क्या बोलूँ, अगर ये डेल्टा ए काफी छोटा होगा तो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस पॉइंट पी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली जे एट पॉइंट पी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब जितना आपका ए छोटा होगा उतना ही हम लोग अप्रोच करेंगे इस पॉइंट पी की तरफ, डेल्टा आई अपोन में डेल्टा ए, ये किसके बराबर हो जाएगा डी आई अपोन में डी ए के। ओके, तो आपको याद रखना है जो करंट डेंसिटी होगा किसी भी पॉइंट पी पे वो किसके बराबर होता है डी आई अपोन में डी ए के। ओके, तो ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं सीधा आई अपोन में ए। अब जो करंट डेंसिटी हो बेसिकली कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, देखो अब हमें पता है करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, एरिया कैसी है वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हम लोग को पता है अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी है उनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो आई को। अब करंट डेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं, अब करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, सो ऐसा यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये छोटा सा आइडिया था करंट डेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट क्या है, ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसमें से जो करंट पास होगा वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मान लेते हैं कि यहां पोटेंशियल कितना है VA, यहां पोटेंशियल कितना है VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका VA माइनस VB, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। ओके, अब यहां पे VA माइनस VB को मैं लिख रहा हूं V सिंपली, तो आपका I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि जिस रेट से आप पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करोगे उसी रेट से आपका करंट भी चेंज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ट्वाइस तो करंट भी क्या हो जाएगा ट्वाइस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हाफ तो करंट भी क्या हो जाएगा हाफ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है. तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करोगे इक्वल टू के साइन से, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा आर. आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो आपके पास एक सिंपली एक फॉर्मुला आ चुका है फ्रॉम ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर. ठीक. अब यहाँ पे जो एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के जब भी है जब आपका टेम्परेचर कैसा है कॉन्स्टेंट. क्योंकि आप लिख सकते हो यहां से कि V बाई आई का रेशियो हमेशा R के बराबर है इस फॉर्मूले से. वो जब भी हो सकता है जब आपका टेम्परेचर कैसा हो कॉन्स्टेंट. क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर राइज करने से टेम्परेचर में चेंज रेजिस्टेंस में चेंज आता है. ठीक है. अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा कॉन्स्टेंट होगा. ठीक है. तो आपका V बाई आई का रेशियो हमेशा कैसा आएगा कॉन्स्टेंट आएगा. ओके. तो छोटा सा आपको कंडीशन याद रखना है. और ओम्स लॉ बेसिकली ना वैलिड है किसके लिए खाली कंडक्टर के लिए. ये कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है. इट इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर. ये मतलब सेमी कंडक्टर के लिए. ठीक है. ये वैलिड वगैरह नहीं है. ओके. तो याद रखना इट इज नॉट वैलिड फॉर सेमी कंडक्टर. ठीक. अब हम लोग ने ग्राफ देखते हैं ओम्स लॉ का किसके बीच में आई के बीच में और वी के बीच में. ठीक. तो आप क्या देखते हो जो स्लोप होता है इस कर्व का मतलब ये जो ग्राफ आता है पहली बात वो कैसा होता है स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजन. और इस कर्व का जो स्लोप होगा स्लोप हमेशा के लिखते हैं भाई स्लोप होता क्या है एम. एम क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स. अब वाई पे हमेशा क्या आ सकता है करंट और एक्स में हमेशा क्या सकता है पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब आई बाय वी का रेशियो बेसिकली क्या यहाँ पे स्लोप है. ठीक. और वो स्लोप किसके बराबर होगा हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के. कि भाई अगर इसको मैं फ्लिप करूंगा तो आई बाय वी हो जाएगा और वो किसके बराबर है वन अपॉन आर के बराबर है. ठीक है. तो आपको याद रखना है कि जो स्लोप होगा आई वी कर्व का वो हमेशा क्या देगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ओके. ठीक. कई बार ना ये ग्राफ ऐसे भी दे देता है अगर मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ और यहाँ पे आई लिख दूंगा. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप क्या जाएगा वी बाय आई और वी बाय आई किसके बराबर है आर के. तो हम क्या लिखेंगे जो स्लोप हो क्या देगा आपको रेजिस्टेंस देगा. ठीक है. तो आपको देखना है कि कौन सा ग्राफ आपको दे रहा है बट मैक्सिमम टाइम आपको ये वाला ग्राफ देता है. ठीक है. तो किसी किसी बुक में ये ग्राफ भी गिवन होता है तो आप कंफ्यूज मत होना. तो इसका जो ग्राफ का स्लोप है आपको क्या देगा वो आर देगा. ओके. अब हम लोग ना एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसी के ऊपर. आपको बेसिकली कमेंट करना है कि यहाँ पे दो कंडक्टर है ए और बी. ए और बी किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. आपको कमेंट करना है कि ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो आप एक बात लॉजिकली बोल सकते हो किसका स्लोप ज्यादा है बी का स्लोप ज्यादा है. अगर स्लोप ज्यादा होगा तो आर कैसा हो जाएगा कम. ठीक. अगर आर कम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेसर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए. ठीक. एक तो ये तरीका हो गया मैथमेटिकली. एक लॉजिकल तरीका क्या देखो आप क्या देख रहे हो इस करंट पे या इस वोल्टेज पे सॉरी इस वोल्टेज पे करंट ए के कंडक्टर ए के लिए करंट ये है और कंडक्टर बी के लिए करंट की वैल्यू ये है. मतलब किसमें करंट ज्यादा है बी वाले केस में तो रेजिस्टेंस का क्या होगा कम होगा. ठीक. तो आप इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं लॉजिकली भी और मैथमेटिकली. ओके. अब हम लोग ना अच्छी तरह समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है. ओके. अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट. मतलब जितना भी अपोजिशन कंडक्टर ऑफर करता है किसके फ्लो ऑफ करंट को वो बेसिकली किसके बराबर होता है रेजिस्टेंस के बराबर होता है. अब रेजिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आयंस. मतलब जितने भी हमारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है इस कंडक्टर के अंदर वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस के लिए. किस तरीके से देख लेते हैं भाई. मान लेते हैं कि मेरे पास ये कंडक्टर है और इसके क्रॉस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है वो इस डायरेक्शन में है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव करेंगे. अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है. अब इसकी कोलिजन मान लो इस आयन के साथ हो गई. ठीक है. फिर नेक्स्ट कोलिजन यहाँ पे हो गई. ठीक है. और जब आपकी कोलिजन होगी इस आयन के साथ तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर. ठीक है. ओके. फिर जब इसके अगेन ये एक्सेलरेट करेगा फिर जो इसने एनर्जी अचीव करी और जैसे ही कोलिजन हुआ इस आयन के साथ अगेन वो एनर्जी डिसिपेट होगी दूसरे फॉर्म में. फिर ये फर्दर एक्सेलरेट कर रहा है फिर इसका कोलिजन इसके साथ हो गया. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो यहाँ पे जो आयन्स हैं पॉजिटिव आयन्स हैं वो बेसिकली एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब वो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव होने नहीं दे रहे. ठीक है. तो हम लोग बोल सकते हैं जो पॉजिटिव आयन्स हैं जो नेगेटिव आयन्स होंगे. ठीक है. वो बेसिकली हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और वो बेसिकली कॉज है किसका रेजिस्टेंस का. अब रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ओम के अंदर और इसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो कुछ ये है. ठीक है. ये इलेक्ट्रिक सिंबल है और ये इसका ऐसा यूनिट है ओम. ओके. अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. ओके. तो जब आप इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करते हो तो मेरे पास एक फॉर्मुला आता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए. अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो ए से डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या जाएगा रो वी. मतलब यहाँ पे क्या है वी वॉल्यूम है इन टू में ए स्क्वायर. ठीक. अगर इसको मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूँ एल से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम. ओके. तो आपके पास सिंपली ये आर इज इक्वल टू किसके बराबर है रो एल अपॉन में ए रो वी अपॉन में ए स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन में बी. तो आपको छोटा सा फॉर्मुला याद रखना है. इनका यूज आप कहाँ पे करोगे जब खाली एरिया में चेंज दे रखा हो. अगर आपको खाली लेंथ में चेंज दे रखा हो तो इस वाले फॉर्मुले का यूज कर लोगे. अगर आपको लेंथ में भी चेंज दिया है एरिया में भी चेंज दिया है तो आप इस वाले फॉर्मुले का यूज कर लेना. ठीक है. तो आपको देखना है कि किस तरीके की आपकी नीड है. ठीक है.
उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक, इसको हम लोग ना एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इनके ऊपर। मान लो मुझे बोला गया कि मेरे पास कोई भी एक वायर है, उसकी लेंथ मान लो थ्राइस हो गई। लेंथ थ्राइस हो गई तो बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। मान लेते कि पहले लेंथ क्या थी एल, बाद में लेंथ क्या हुई थ्री एल। ठीक, तो हम लिखेंगे पहले रेजिस्टेंस क्या था आपका आर, रेजिस्टिविटी क्या थी रो, लेंथ क्या थी ए, लेंथ क्या थी एल और एरिया क्या था ए। बाद में जो रेजिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी तो सेम रहे क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है खाली मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छी तरह समझेंगे अभी। लेंथ थ्राइस हो गई मतलब थ्री एल हो गई। ठीक है, लेंथ आपकी क्या हो चुकी है थ्राइस। ओके, अब देखो इसको ना आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई पहले जो इसका वॉल्यूम था भाई ये एरिया मान लो ए था, लेंथ क्या थी इसकी एल। ठीक है, लेंथ हो गई थ्राइस तो एरिया क्या हो जाएगा इसका वन बाय थर्ड। भाई हम लोग क्या लिखते हैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर इनिशियल वॉल्यूम ए एल है तो बाद में भी क्या होना चाहिए एरिया होना चाहिए। और बाद में लेंथ कितनी हो गई मेरे पास थ्री एल, एरिया मान लो क्या हो गया ए डैश। तो यहाँ से ए डैश कितना आ गया मेरे पास ए बाय थ्री। जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे ए बाय थ्री को तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा नाइन रो एल अपॉन में ए, और रो एल अपॉन में ए बेसिकली क्या मेरे पास आर। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास नाइन आर। ठीक है, एक तो ये अप्रोच है, या फिर आप अपने ना इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, अगर आपका खाली लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लेंथ चेंज होगा बट आपका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले वाले केस में कि आर किसके बराबर है रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम के, और बाद में मान लो जो न्यू आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यू आर किसके बराबर हो जाएगा रो लेंथ क्या होगी आपकी थ्राइस मतलब थ्री एल का स्क्वायर। वॉल्यूम तो सेम रहेगा आपका जो पहले वॉल्यूम तो बाद में भी है। ठीक है, अब इसको आप लोग लिख सकते हैं नाइन रो एल स्क्वायर अपॉन में भी, और ये चीज किसके बराबर है हमारे आर के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा नाइन आर। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करो आंसर सेम आएगा, बट ये थोड़ा सा जल्दी कर देगा, टाइम सेव कर देगा। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं वैसे। ठीक है, आपको बोला गया एरिया हाफ हो गया। अब एरिया हाफ हो जाएगा तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूले का रो वी अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, पहले मेरे पास ये रेजिस्टेंस था एरिया ए था, ठीक है वॉल्यूम वी था, बाद में मान लो रेजिस्टेंस हो गया आपका आर न्यू। ठीक, वॉल्यूम तो सेम रहेगा और एरिया बोल रहा है कि हाफ हो गया मतलब ए बाई टू हो गया, एरिया हाफ हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फोर रो वी अपॉन में ए स्क्वायर, और रो वी अपॉन में ए स्क्वायर किसके बराबर आर के, तो न्यू रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास फोर आर। ठीक है, तो इस तरीके का आप बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इन फॉर्मूले के ऊपर तो आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपका टाइम सेव करेगा। ठीक, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग कुछ एक बार देख लेते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। अब देखो जो रेजिस्टिविटी वो बेसिकली किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का और रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है और आगे जाकर देखेंगे वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, तो आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है खाली वो। ओके, और इसका यूनिट क्या है ओम मीटर। ओके, अब हम लोग ना देख रहे हैं कि कैसे आपका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आपकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो किसी भी 3 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, अगर मैं इसको लिखूंगा रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है अल्फा की, पर डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब इस अल्फा की वैल्यू जो पॉजिटिव है फॉर मेटल, नेगेटिव है किसके लिए, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर के लिए, और लेस पॉजिटिव है फॉर एलॉय। ओके, अब इन तीनों पॉइंट्स के बिहाफ पे आपके तीनों ग्राफ ड्रॉ होने वाले हैं। मतलब अल्फा पॉजिटिव है किसके केस में, मेटल के केस में। अगर अल्फा पॉजिटिव है अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, मोर देन वन आएगी। तो आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो ग्राफ होगा मेटल के केस में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में उस तरीके से बनेगा कुछ। ओके, मतलब स्टार्टिंग में जो इंक्रीज होता है वो लीनियरली होता है, फिर बाद में वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगर मुझे एक ग्राफ बनाना हो सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अगर अल्फा नेगेटिव है तो ये चीज़ लेस देन वन आएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो आप क्या देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी घटना स्टार्ट हो चुकी है। फिर अब हम लोग देखते हैं एलॉय के लिए, एलॉय के लिए ये वैल्यू कैसी, लेस पॉजिटिव है। मतलब ठीक है, अगर आप टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज करोगे ना तो रेजिस्टिविटी में बहुत कम चेंज आएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, पॉजिटिव है बट बहुत कम है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो डिपेंडेंसी है इन द केस ऑफ एलॉय वो बहुत कम है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि मतलब स्टार्टिंग में कुछ इंक्रीज होता है फिर बाद में कैसा हो जाता है वो कॉन्स्टेंट। इसीलिए जितने भी हमारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हैं वहाँ पर हम लोग किन का यूज़ करते हैं, एलॉय का यूज़ करते हैं। ठीक है, एलॉय का यूज़ से क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बहुत माइन्यूटली चेंज आएगा। ठीक है, ओके, तो आपको याद रखना है कुछ एलॉय के नाम, जैसे कॉन्स्टेंटन, मैगनीन,
ठीक है, ये कुछ बेसिकली एलॉय है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनका जो आप ग्राफ देख रहे हो मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक साइड था रेजिस्टेंस के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। देखो रजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा कोयल रजिस्टर, ठीक है, जैसे आपने सुना है रियोस्टेट, रियोस्टेट हमारा कैसा रजिस्टर है, कोयल रजिस्टर है, मतलब बहुत बड़ी कोयल है किसी भी एलॉय की, ठीक, उसे कुछ अपना रजिस्टेंस है, बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर है, उन रजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो बाय स्लाइडिंग। और एक होता हमारा कार्बन रजिस्टर जो आप लोग बेसिकली देखते हो अपने किट के अंदर, पीसीबी किट के अंदर या जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट उनमें देखते हो कार्बन रजिस्टर, ठीक है, हम लोग कार्बन रजिस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कार्बन रजिस्टर इस तरीके से कुछ दिखाई देते हैं, मतलब आपके पास एक रजिस्टर होता है, ये बेसिकली इसका एक मतलब इसका एग्जैक्टली डायग्राम है, मतलब मैग्नीफाइड डायग्राम है, बहुत छोटे से आपके कार्बन रजिस्टर होते हैं, आपने देखा होगा। और इनके ऊपर ना बेसिकली आपके चार बैंड होते हैं, ठीक है। अब ये बैंड किसके लिए यूज करते हैं समझते हैं, देखो ये आपका फर्स्ट बैंड है, सेकंड बैंड है, थर्ड और फोर्थ। आपका फर्स्ट और सेकंड आपको बेसिकली रेजिस्टेंस की ना वैल्यू देगा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू देगा आपको, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको वैल्यू देगा। थर्ड बैंड आपको क्या देगा, मल्टीप्लायर, मतलब पावर देगा आपको, कितनी पावर मतलब। और फोर्थ बैंड क्या देगा आपको, टॉलरेंस, फोर्थ बैंड आपको टॉलरेंस बताएगा, ठीक। इन चार बैंड का ऐसे यूज करना है आपको समझने के लिए, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो आप रजिस्टर देखते हो, ठीक है, अब अगर मान लो हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं हाई वैल्यू का, अब उस हाई वैल्यू को मैं लिख नहीं सकता इसके ऊपर, ठीक है, अगर मैं लिख भी दूंगा तो इसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बट इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय द कलर कोडिंग, ठीक है, ओके। अब वो कलर कोडिंग बेसिकली क्या है, देखो एक छोटी सी इसकी ट्रिक है याद रखने की, बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइब, ओके, अगेन देख लेते हैं, बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइब, ओके। अब यहाँ पे जो आप बी देख रहे हो फर्स्ट बी, वो किसके लिए, ब्लैक के लिए, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे एंड वाइट, ओके। और ये बेसिकली न्यूमेरिक लिख रहे हैं, मतलब ये ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो को, ब्राउन रिप्रेजेंट करता है वन को, और अब टू कब तक है, नाइन तक, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं, मतलब ये कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कलर किस न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और जो फोर्थ बैंड था हमारा टॉलरेंस वाला, टॉलरेंस बेसिकली, ठीक है, टॉलरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे दो कलर यूज करते हैं, मेरे लिए गोल्ड और एक सिल्वर। एक होता है नो कलर, नो कलर का मतलब क्या, अगर आपका मान लो फोर्थ बैंड ही नहीं है यहाँ पे, अगर फोर्थ बैंड मिसिंग होगा तो हम लोग बोल सकते हैं नो कलर है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर गोल्ड है तो क्या 5% टॉलरेंस है, सिल्वर है तो क्या 10% टॉलरेंस है, अगर नो कलर है तो बेसिकली 20% टॉलरेंस है, ठीक। तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है टॉलरेंस के बारे में। अब इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो मेरे पास कोई भी कार्बन रजिस्टर है, ये मुझे बोला गया रेड है, ये ऑरेंज, ये मान लो ग्रीन, और ये मान लो मेरे पास गोल्ड, तो बताओ इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। देखो अब रेड का मतलब क्या होता है 2, ऑरेंज का मतलब 3, ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट दो डिजिट आ गई रजिस्टर की। अब देखते हैं जो थर्ड क्या देगा आपको, मल्टीप्लायर मतलब पावर देगा आपको 10^10, ठीक। अब ग्रीन मतलब होता है 5, मतलब 10^5 प्लस माइनस, टोल्डेंस हमेशा प्लस माइनस में होती है, ठीक है। अब गोल्ड किसको रिप्रेजेंट करता है 5% को, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस रजिस्टर की जो रजिस्टेंस वैल्यू वो किसके बराबर है, 23 × 10^5 प्लस माइनस 5%, ओके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो ये जो हमारे रजिस्टर होते हैं ना, ठीक है, अब ये बात पे भी डिपेंड करता है कि किसके अबाउट आपने निकालते हो, ठीक, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको समझना है इस चीज़ को। मान लो मेरे पास कोई भी क्यूबॉइड शेप का रजिस्टर है, या कोई भी मान लो ब्लॉक है, ठीक है, और मुझे रेजिस्टेंस निकालना है इन दो पॉइंट्स के अबाउट, ए और बी के अबाउट, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी मान लो कुछ रो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस होगा अबाउट ए बी वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ, लेंथ कितना देख रहे हो ए, इनटू में एरिया। अब एरिया क्या होगा इसका, अगर ये सी है ये बी है तो एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, बी सी, ठीक। अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो इन दो पॉइंट्स के अबाउट, एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट है मतलब टॉप फेस के अबाउट और एक बॉटम फेस के अबाउट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सी और डी, सीडी ले चुका हूं तो इसको एक्स वाई ले रहा हूं मैं, एक्स और वाई, तो रेजिस्टेंस अबाउट एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी आपकी। अब देखो लेंथ क्या होगी इस केस में, लेंथ तो ये होती ना, लेंथ क्या होगी इसके अबाउट सी, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया बताओ आप, ये एरिया क्या हो जाएगा, देखो अगर ये ए है और ये बेसिकली क्या है बी, तो एरिया क्या होगा मेरे पास ए बी, ठीक। तो इस ऐसे भी मैं रजिस्टर निकाल सकता हूं, रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। अगर मुझे रजिस्टेंस निकालना हो इस फ्रंट फेस के अबाउट और इस बैक फेस के अबाउट, ठीक, इसको मैं नाम दे रहा हूं कुछ डब्ल्यू और पीछे वाले को दे रहा हूँ मैं कुछ भी वी मान लो, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होगा अबाउट डब्ल्यू वी वो क्या हो जाएगा, अब रेजिस्टिविटी लेंथ क्या है इस केस में बी, एरिया क्या होगा, देखो ये मेरे पास क्या है सी और ये मेरे पास क्या है ए, तो ए सी रेजिस्टर एरिया होगा मेरे पास। तो इस तरीके से भी आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपके पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आपके पास कुछ मल्टीपल रजिस्टर है R1, R2 एंड R3 जिनको आपने इस तरीके से अरेंज किया है, ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो करंट होता है थ्रू द ओल्ड रजिस्टर
वो सेम होता है। इसका मतलब क्या है, जो करंट आपका पास होगा आर वन से वही आर टू से पास होगा, वही आर थ्री से पास होगा। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक, तो आपको याद रखना है करंट सेम होता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे आप इन तीनों रजिस्टर को रिप्लेस कर सकते हो बाय सिंगल रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस वैल्यू आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट किसके बराबर होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, पर ये छोटी सी बात याद रखनी, करंट इज सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या, अगर आपके पास कुछ रजिस्टर हैं उनको आपने अरेंज किया इस तरीके से कि मतलब आर वन का इनिशियल, आर टू का इनिशियल और आर थ्री का इनिशियल अगर एक कॉमन पॉइंट है, तो आर वन का इनिशियल, आर टू का इनिशियल, आर थ्री का इनिशियल अगर एक कॉमन पॉइंट है, आर वन का फाइनल, आर टू का फाइनल और आर थ्री का फाइनल अगेन एक कॉमन पॉइंट है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल देते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देते हो। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आपकी जो वोल्टेज है वो सेम होती है थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब आर वन किससे कनेक्ट है, वी, अगर यहाँ मान लो पोटेंशियल कितना है वी ए, यहाँ मान लो पोटेंशियल कितना है वी बी, तो आर वन किससे कनेक्ट है वी ए से, वी बी से, आर टू भी कनेक्ट है वी ए से और वी बी से, आर थ्री भी कनेक्ट है वी ए से और वी बी से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो अब यहाँ पे आप इन तीनों को रिप्लेस कर सकते हो बाय सिंगल रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस वैल्यू आर इक्वलेंट। और वन अपॉन आर इक्वलेंट किसके बराबर होता है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अगर मान लो मेरे पास कोई दो रजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उनका जो आर इक्वलेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों का एडिशन। ठीक, तो इस तरीके से आप आर इक्वलेंट निकाल सकते हो विदाउट टेकिंग एनी एलसीएम। बट ये जो फॉर्मूला है वो जब भी काम करेगा जब दो रजिस्टर हो। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास कोई दो रजिस्टर है, ये मान लो 8 ओम का, ये मान लो 12 ओम का, ये दोनों आप देख रहे हो किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में इन दोनों का एडिशन। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 4.8 ओम। ठीक है, तो इससे आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो विदाउट टेकिंग एनी एलसीएम। ठीक, बट याद रखना ये फॉर्मूला जब भी काम करेगा जब दो रजिस्टर हो। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे आइडेंटिकल रजिस्टर हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सभी को रिप्लेस कर सकते हो बाय सिंगल रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस वैल्यू आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट किसके बराबर होगा, रजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर, मतलब रजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे सबकी रजिस्टेंस वैल्यू क्या है, आर, आर ओम, ठीक, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर 4। तो इन सबका आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, आर बाय 4। ठीक है, तो आपको दोनों ही फॉर्मूला याद रखने, ये फॉर्मूला जब काम करेगा जब आइडेंटिकल हो, और ये फॉर्मूला जब काम करेगा जब यहाँ पे दो रजिस्टर हो पैरेलल में। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, देख रहे हो आप कि ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, अब जो करंट यहाँ से पास होगा वो यहाँ से भी पास होगा, वो यहाँ से भी पास होगा और यहाँ से भी पास होगा, तो सभी में करंट सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कॉम्बिनेशन कैसा आपका सीरीज, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ना वो सेक्शन देखना है जो आपको क्लियर है उसके बारे में सब कुछ। जैसे मान लो हमें बोला गया है आपको आर इक्वलेंट निकालना है, मैं एक बात इजीली बोल सकता हूँ कि जो 2 ओम है ये 2 ओम आपस में कैसे है सीरीज में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 4 4 4 4। ठीक है, अभी 4 4 4 आपस में कैसे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में और आइडेंटिकल भी हैं। तो आइडेंटिकल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर, सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है 4 ओम, और नंबर ऑफ रजिस्टर कितने यहाँ पे 3। तो मेरे पास आर इक्वलेंट कितना आ गया, 4/3 ओम। अब हम लोग ना एक दूसरा मेथड देख रहे हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अब उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल मेथड या पॉइंट मेथड, मतलब आपको हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल असाइन करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ब्रांच है इस तरीके से ए बी, अब हमें ना इसका आर इक्वलेंट निकालना है। अब जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब मुझे आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, आपको याद रखना है बात अभी। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर पोटेंशियल ए है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी लॉस नहीं हुआ। अब यहाँ से मेरा कितना पोटेंशियल गया ए, यहाँ से भी कितना गया ए। ठीक है, अब जब यहाँ से ए जाएगा तो किसी भी तरह का आपका लॉस नहीं हुआ इस पाथ के अंदर, तो सेम पोटेंशियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए। ओके, जब यहाँ से मेरा ए पोटेंशियल गया इसके रास्ते मेरे पास क्या गया, आर वन आ गया। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे लॉस हो जाएगा, आपको याद रखना है हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल को कंज्यूम करते हैं, तो कुछ पोटेंशियल इसने कंज्यूम कर लिया और जो रिमेनिंग बच गया वो यहाँ पे आ गया एक्स, उसे मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी और एक्स बेसिकली एक कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल असाइन कर दिया। अब आपको करना क्या, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। मान लो ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये बी, इसको हम लोग एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स और बी की बात है, क्योंकि जो पोटेंशियल एक्स पे वो बी पे भी है। अब देखो ax के बीच में एक है r1 का, ओके, और ax के बीच में एक हो रहा है r2, ax के बीच में एक हो रहा है r3। ठीक है, तो इस तरीके से तीन रेजिस्टेंस है a और x के बीच में, और तीनों किसमें पैरेलल में, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक, इस पहले फॉर्मूले से अपने, ओके,
तो ये आपको करना है खुद से। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल मेथड को देख रहे हैं, एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग पोटेंशियल मेथड पे। ओके, ये मान लो आपके पास ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, रजिस्टर मान लो आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक। अब मैं हमें मुझे रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा देखो, अगर यहाँ पे पोटेंशियल बी है तो यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा, और यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे भी बी होगा आपका। अगर यहाँ पे ए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, तो आप क्या देख रहे हो ए और बी के बीच में आर है, ए और बी के बीच में आर है, ए और बी के बीच में आर है। तो इस तरीके से आपके ए और बी के बीच में तीन रजिस्टर हैं जिनका रजिस्टेंस वैल्यू क्या है, आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर बाई थ्री, क्योंकि सभी आइडेंटिकल है। और मैंने आपको बताया था अगर आइडेंटिकल रजिस्टर है पैरेलल में तो उनका पैरेलल, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल मेथड का यूज करके आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। अब हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अब हमें ना यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। तो पहले ना हमें यहाँ पे पोटेंशियल असाइन करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे। मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल ए है, ठीक, और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा बी, ये तो मैं इजीली बोल सकता हूँ। अब यहाँ से मेरा ए गया और इसके रास्ते में कुछ लॉस हो गया, और जो बचा वो मान लो यहाँ पे आ गया, इसे मैंने बोल दिया एक्स, ठीक है। यहाँ से ए गया रास्ते में, ये आ गया आर टू, कुछ पोटेंशियल कंज्यूम कर लेगा, जो बचा यहाँ पे मान लो हो गया मेरा वाई, ठीक है। अब देखो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल असाइन हो गए, अब इनको आप ना अरेंज करो भाई। ये मान लो मेरे पास ए पॉइंट है, ये मान लो एक्स पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट, और ये मान लो वाई पॉइंट। अब ए और एक्स के बीच में कौन है, आर वन, ए और वाई के बीच में बेसिकली कौन है, आर टू, एक्स और वाई के बीच में कौन है, एक्स और वाई के बीच में कौन है, आर फाइव, एक्स और बी के बीच में कौन है, आर थ्री, वाई और बी के बीच में कौन है, आर फोर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल असाइन कर लिए और उनको हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब ऐसे सर्किट को आप लोग क्या बोलते हो, व्हीट स्टोन सर्किट या व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। ओके, अब व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट में देखो, अगर ये सर्किट बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एक्स पे है वही पोटेंशियल वाई पे भी है, तो सर्किट आपका कैसा है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि किसी भी तरह का आपका करंट फ्लो नहीं करेगा इस आर फाइव के थ्रू, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं करंट यहाँ पे कितना है, जीरो, ठीक। तो अगर करंट जीरो होगा तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक। अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये आर वन, ये आर थ्री, ये आर टू और ये आर फोर, आर वन, आर थ्री, आर टू, आर फोर, ठीक है। इसको हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैसे भाई, दोनों आपस में कैसे है सीरीज में, ये दोनों आपस में कैसे है सीरीज में, तो इन दोनों का कुछ अपना आएगा, इन दोनों का कुछ अपना आएगा, वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे तो इजीली सोल्व कर सकते हैं, बट आप पता कैसे करोगे कि सर्किट बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ठीक है। बैलेंस के लिए ना एक रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर आर वन अपॉन आर टू का रेशियो इक्वल है किसके, आर थ्री अपॉन आर फाइव के, तो ऐसे सर्किट क्या होते हैं आपके, बैलेंस होते हैं, ठीक। ओके, तो आपको याद रखनी है रिक्वायर्ड कंडीशन है R1 by R2 is equal to R3 by R4, तो आपका सर्किट कैसा है, बैलेंस है। ओके, तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मान लो मुझे कोई एक सर्किट दिया है इस तरीके से, आपको इसका R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो बेसिक तरीके से, मान लो यहाँ पोटेंशियल A था, यहाँ पे B था, और मान लो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया X, और यहाँ पे मान लो हो गया Y, ठीक। ओके, और ठीक, और यहाँ पे मान लो पोटेंशियल हो गया Z, अब यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, Z होगा, ये आप देख ही रख सकते हो, ये शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो पोटेंशियल होगा कुछ भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और यहाँ पे अब जो W यहाँ पे है वो यहाँ पे W होगा। ओके, मैं एक छोटे से मिस्टेक, अगर यहाँ पे X है तो यहाँ पे भी X होगा, ठीक, क्योंकि दोनों सेम है ना पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ पे W, तो यहाँ पे भी W हो जाएगा, ठीक है। अब आप करना कैसे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो अपने सर्किट की तरह, देखते कैसे भाई। ये मान लो A, ये मान लो B। अब देखो A और X के बीच में R एक, ये मान लो कोई पॉइंट X है, इसके बीच में एक R रजिस्टर है। अब देखो X और Z के बीच में दो हैं, XZ के बीच में एक ये है, XZ के बीच में ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, X और Z के बीच में दो आपके रजिस्टर है इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, फिर आता है एक्स जेड के बीच में हो गए दो, अब देखते हैं एक्स और डब्ल्यू के बीच में देखो कितने हैं, एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक है, ठीक। और इसको मैं ना बी पॉइंट थोड़ा पीछे ले रहा हूँ, इसको मैं डब्ल्यू बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। एक्स और डब्ल्यू के बीच में मेरे पास क्या है, एक, एक्स और डब्ल्यू के बीच में हो गया मेरे पास एक, एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक। अब देखो एक्स जेड और डब्ल्यू के बीच में दो हैं, जेड डब्ल्यू के बीच में दो हो गए, और डब्ल्यू और बी के बीच में एक है आर होगा। तो हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हमारे रजिस्टर हो गए, यहाँ पे कितने थे मेरे पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पे देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो मतलब सात हो आ गए अपने पास, ठीक है। अभी इनको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आर आर, आर बाई टू, आर आर, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर आर आर, आर बाई टू, तो ये हो गया आर, ये आर बाई टू पूरा, और ये आर, तो मेरे पास फाइनल रजिस्टेंस कितना आ गया, फाइव आर बाई टू, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई सर्किट है इस तरीके से, ओके, अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अबाउट। अब देखो जो भी करंट होगा वो यहाँ से आएगा कहीं ना कहीं से, ए से आएगा और बी से चला जाएगा। ये तो मतलब इसका कि मतलब ये जो दो पॉइंट है वो किन से कनेक्ट है, हमारे सोर्स के साथ कनेक्ट है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से करंट आया और यहाँ से निकल गया। अब देखो जब करंट यहाँ पे आएगा तो कुछ करंट यहाँ से पास होगा, कुछ करंट यहाँ से पास होगा। जब करंट यहाँ पे आएगा तो जब यहाँ पे करंट मेरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखो करंट हमेशा ऐसे पाथ को पिक करता है जहाँ रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। ठीक है, जहाँ रेजिस्टेंस कम से कम होगा वहाँ पे करंट इजिली फ्लो करेगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, रेजिस्टेंस कितना इन्फिनिटी, क्योंकि ये मेरा ओपन एंड है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो चुका है मेरा इन्फिनिटी, तो किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा यहाँ पे, और सारा का सारा करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। इसी तरीके से जो करंट यहाँ पे जा रहा था वो यहाँ पे नहीं जाएगा और सारा का सारा यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से और यहाँ से किसी भी तरह का करंट पास नहीं हुआ, तो इन दोनों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनको हम लोग लेंगे ही नहीं यहाँ पे। तो हम लोग देख सकते हैं आर आर आपस में कैसे सीरीज में, आर आर आपस में कैसे सीरीज में, तो टू आर क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि दोनों पैरेलल में एक दूसरे के साथ। ठीक है, आर आर आर, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, थ्री आर। ओके, तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको क्या याद रखना है, करंट हमेशा इसी पाथ को पिक करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस लीस्ट हो, कम से कम हो। ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इजिली। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई दो पॉइंट्स हैं ए बी, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के अबाउट। देखो जो करंट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक, अब वो करंट ना बेसिकली ना, अब करंट हमेशा उस पाथ को पिक करता है जहाँ रेजिस्टेंस लीस्ट हो। तो इस वाले पाथ का रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम, इस वाले का क्या है, 0। तो सारा का सारा करंट आपका यहीं से पास हो जाएगा, किसी भी तरह का करंट आपका इस 10 ओम से पास होगा ही नहीं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं लॉजिकली जो पोटेंशियल यहाँ पे है, ठीक है, ओके, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि सारा का सारा करंट आपका यहीं से पास हो जाएगा, तो किसी भी तरह का आपका करंट फ्लो नहीं होगा इस 10 ओम से। ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक, ओके, तो आपको याद रखना है कि करंट हमेशा ऐसे पाथ को पिक करता है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। अब कुछ लोग ना कन्फ्यूज हो रहे होंगे इस बात से कि सर यहाँ पे आपने बोला कि कुछ करंट, सारा का सारा करंट यहाँ से पास हो गया, बट इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ना देखो जो करंट यहाँ पे आ रहा था, अब करंट ना डिवाइड होता है अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से। अब आप क्या देख रहे हो, एक यहाँ पे दो पाथ है बेसिकली। ठीक है, एक पाथ ये देखो, एक हमें जाना है यहाँ पे बी पे ना, एक पाथ ये वाला हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है पूरे पाथ का, R3, तो नेग्लिजिबल तो नहीं है, R3 रेजिस्टेंस है। अब एक पाथ ये वाला है, ठीक है, और एक पाथ सीधा है, तो यहाँ पे तीन पाथ है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या बोला कि कुछ करंट यहाँ से पास होगा, ठीक है, और कुछ करंट यहाँ से पास होगा। और इस वाले केस में क्या है, आप क्या देख रहे हो कि रेजिस्टेंस है ही नहीं इस पाथ में। ठीक है, तो सारा का सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा। बट यहाँ वाले केस में आप क्या देख रहे हो, कुछ रेजिस्टेंसेस R3 का इस पाथ के लिए। ठीक है, तो कुछ करंट यहाँ से पास होगा, कुछ करंट यहाँ से पास होगा। ठीक, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना दोनों पॉइंट पे। ओके, तो अब और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इस तरीके से, ये मान लो 2 ओम, ये 4 ओम, ये मान लो 8 ओम, और ये मान लो 16 ओम, और ये मान लो 5 ओम है, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है किसी भी सप्लाई के साथ, बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 20 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है, अगर आप इस 20 वोल्ट की बैटरी को रीअरेंज कर दोगे विद 5 ओम, तो आपको बताना है कि जो करंट पास होगा 5 ओम से उसमें कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आपसे बोला गया है इफ वी रीअरेंज या रिप्लेस 5 ओम रजिस्टर विद द बैटरी, देन करंट थ्रू 5 ओम विल चेंज और नॉट। आपको बताना है कि करंट चेंज होगा कि नहीं होगा। ओके, तो हम एक बार देखते हैं। पहले वाले केस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे करंट क्या है 5 ओम से, 0। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सर्किट है वो कैसा बैलेंस है, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर रेशियो इक्वल होगा तो हम क्या बोलते हैं कि मिडल आर में से करंट क्या होगा, 0। ठीक है, तो पहले केस में करंट जो होगा 5 ओम से वो कितना है, 0। अब हम लोगों ने क्या करा, इस रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया बैटरी के साथ, मतलब रीअरेंज कर दिया इनको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुकी है, एक बैटरी आ चुकी है, और ये मेरे पास 2 ओम का रजिस्टर, ये 8 ओम का, ये 4 ओम का, ये 16 ओम का। ओके, और यहाँ पे कौन आ चुका है मेरे पास, रजिस्टर 5 ओम का।
अब देखते हैं कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। देखो भाई ये किससे कनेक्ट है, 20 से, ये किससे कनेक्ट है, 0 से। ओके ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ पोटेंशियल है आपका x, यहाँ पे मान लो कुछ पोटेंशियल है y। ठीक, अब आप अगेन क्या देख रहे हो, जो रेशियो है आर वन अपॉन आर टू, 4/16, 1/4, 2/8, 1/4, अगेन रेशियो कैसा है, सेम। तो हम क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियल होगा x का और y का वो क्या होगा, सेम होगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट क्या होगा यहाँ से, जीरो। तो अगेन आप क्या देख रहे हो, जो करंट की वैल्यू है इन सेकेंड केस वो अभी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर आप बैटरी को रिप्लेस कर दोगे इस मिडल रजिस्टर से, ठीक है, तो अब भी आपका करंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स। ओके, तो मान लो आपको एक कोई नेटवर्क दिया है इस तरीके से, कोई भी आपको सर्किट इस तरीके से दे दिया, और ये जो सर्किट है वो इनफाइनाइट तक है। मतलब ये जो सर्किट है, ये सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, ये मान लो मेरे पास कोई पॉइंट ए, ये बी, और ये सब आइडेंटिकल रजिस्टर है, इन सभी का जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो आर ओम है। आपसे पूछा गया, बताओ फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। ठीक है, तो इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का जो अप्रोच है वो क्या है, बार देखते हैं। देखो आप क्या बोलोगे, अगर ये सर्किट इनफाइनाइट तक है, ठीक है, और इसका जो आर इक्विवेलेंट अगर वो मान लो क्या है, एक्स। ठीक है, अगर इस इनफाइनाइट में से मैं एक सेक्शन को रिमूव कर लूँ तो आपका जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस गिवन सर्किट में से एक सेक्शन रिमूव कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। आपको रिमूव वो सेक्शन करना है जो कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, ये सेक्शन रिपीट हो रहा है लगातार, मतलब पहले आपने ये ब्लॉक ऐड किया होगा, फिर आपने ये वाला ब्लॉक ऐड कर दिया, फिर थर्ड ब्लॉक ऐड कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो ऐड होते जा रहे हैं और फाइनली मेरा पूरा सर्किट फॉर्म हो रहा है। तो मैंने क्या किया, जो सेक्शन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको अलग कर लिया। मतलब इनफाइनाइट में से मैं एक को रिमूव कर सकता हूँ ना, अगर मैं एक को रिमूव करूँगा तो आपका आर इक्विवेलेंट जो पहले आ रहा था अभी वही आने वाला है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि जो पहले इस पूरे का आर इक्विवेलेंट था एक्स, अभी भी एक को रिमूव करने के बाद वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स। ठीक, और ये मेरे पास क्या, आर ओम, ये भी आर ओम है। अब आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल में, और बाद में ये इसके साथ कैसा है, सीरीज में, और फाइनली मेरा आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू में आर, ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों का एडिशन, प्लस में ये दोनों आप ये बाद में क्या इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक, तो इनको आप जस्ट रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो कुछ ही आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x आ जाएगा मेरे पास प्लस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक, तो यहां से मेरे पास आ गया r, कॉमन आ चुका है 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। अब हमेशा रेजिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पिक कर लेंगे यहां से। तो यहां से मेरे पास आंसर आ चुका है r 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 ओ। ये बेसिकली मेरा क्या है, r इक्वल। तो आपको ये अप्रोच देखना है कि हम लोगों ने क्या किया है, उस सेक्शन को, एक सेक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लिया सर्किट से जो कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप उस सेक्शन को रिमूव भी कर लेते हो, फिर भी आपका जो आर इक्विवेलेंट पहले आ रहा था अभी भी वो यही आएगा, इस सब का भी तो वही होगा। ठीक है, फिर आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये सब कुछ सारे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं करंट। ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी दो रजिस्टर है, दोनों पैरेलल में हैं, ये R1 मान लो ये R2, और यहाँ से कुछ करंट आ रहा है I, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, यहाँ से कुछ I1 चला गया, यहाँ से कुछ I2 चला गया, और I1 किसके बराबर होगा, दूसरे का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू में टोटल करंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप I1 निकाल सकते हो, I2 भी निकाल सकते हो। I2 किसके बराबर होगा, दूसरे का रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू में टोटल करंट। ठीक है, तो इस बेसिक से फॉर्मूले की हेल्प से आप I1 I2 निकाल सकते हो। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। मान लो मेरे पास कोई भी दो रजिस्टर है, ये 2 ओम का है और ये मान लो 4 ओम का है, यहाँ से करंट आ रहा है मेरे पास 4 एम्पियर। तो बताओ यहाँ से कितना करंट पास होगा और यहाँ से कितना करंट पास होगा। इसको मैं बोल रहा हूँ I1, जो कि पास हो रहा है 2 ओम में से। ठीक है, और I1 किसके बराबर होगा, दूसरे का रजिस्टेंस
डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू में टोटल करंट, तो ये मेरे पास कुछ आ गया 8 बाय 3 एम्पियर। ओके, अगर आपको निकालना हो कि 4 ओम में से कितना पास होगा, दूसरे का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू में टोटल करंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 बाय 3। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है नहीं, तो आप इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 4 के बराबर होगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अभी वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में और आपको करंट निकालना है इंडिविजुअली। अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस है तो आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, ये किस तरीके से आप करंट निकाल सकते हो इंडिविजुअली हर एक रजिस्टर में से। ओके, मान लेते हैं मेरे पास ये 3 रजिस्टर है, 4, 6, 8, आपको करंट निकालना है हर एक रजिस्टर में से, और यहाँ से जो मेरा करंट आ रहा है वो मान लो कितना है 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखो एक बात सबको पता है कि ये तीनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, एक बात तो पता है। ठीक है, और मैं करंट की बात करता हूँ कि यहाँ से I1 जा रहा है और यहाँ से I2 जा रहा है और यहाँ से I3 जा रहा होगा, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो V अपॉन में R1 V अपॉन में R2 V अपॉन में R3। इन सभी में से V कॉमन है तो रिमूव हो गया, तो हमने क्या देखा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 रेशियो 1 अपॉन R3 के बराबर हो गया। अब आपको R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, इन सब की वैल्यू पुट कर दो। ओके, अब मुझे इनको फ्रैक्शन से रिमूव करना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 24। तो अगर आप इस 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबको तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, तो आप क्या देख रहे हो, जो I1 है वो बेसिकली 6 पार्ट है टोटल का। ठीक है, बट टोटल कितना है मेरे पास 13। ओके, 13 बेसिकली टोटल है मेरे पास। ठीक है, और I1 कितना है इसमें 6। ठीक, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो जो यहाँ पे टोटल है 13 जो प्रोपोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल करंट कितना है मेरे पास 10 एम्पियर, तो A कितने को करेगा 10 अपॉन में 13 को, तो 6 कितने को करेगा 10 अपॉन में 13 इंटू में 6, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 60 बाय 13। ये जो करंट है वो पास होगा मेरा फर्स्ट वाले में से, 4 ओम वाले में से। अगर मुझे निकालना है 6 में से कितना पास होगा, तो आप इसको डायरेक्टली देख लो, ऐसे कर सकते हैं 4 किसका प्रोपोर्शन है 13 का इंटू में टोटल करंट कितना है मेरे पास 10, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 40 अपॉन में 13। ये मेरा बेसिकली क्या है I2, और ये मेरे पास क्या था I1, और ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ I3। I3 हो जाएगा 3 बाय 13 इंटू में 10, 30 बाय 13। ओके, तो इस तरीके से आप करंट निकाल सकते हो हर एक रेजिस्टेंस में से अगर वो पैरेलल में गिवन है, क्योंकि सीरीज में तो सेम होता है, मेन तो करंट निकालना होता है पैरेलल के अंदर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों को करंट निकालना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक सेल है इस तरीके से, और ये मेरे पास एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा और ये चौथा। ये मान लो सेल 20 वोल्ट का, ये मान लो 4, ये मान लो 4, ये मान लो 6 और ये मान लो 6। ठीक है, ये मान लो कोई पॉइंट है ए और ये बी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए बी के बीच में, फाइंड वी ए माइनस वी बी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो आप एक बात बोल सकते हो, सारे रजिस्टर आपस में कैसे हैं सीरीज में। ठीक है, तो लिख सकता हूँ 6 प्लस 6 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 4 20। तो R इक्वलेंट होगा 20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20, तो करंट कितना आ गया 1। तो यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है आपका 1 एम्पियर। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का। ठीक है, अब इन दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 12 से। ठीक है, R इक्वलेंट कितना है 12 इनका, और करंट कितना पास हो रहा है यहाँ से 1। करंट इनटू में रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आप V देख रहे हो क्या है, VA माइनस VB है। तो VA माइनस VB किसके बराबर आ चुका है 12 वोल्ट के। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ये सेल है इस तरीके से, एक रजिस्टर ये है, एक ये रजिस्टर है, और एक मान लो ये रजिस्टर। ठीक, यहाँ पे मैंने मान लो कोई भी एक वोल्ट मीटर लगा रखा है V1, और यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर लगा रखा है V2, और यहाँ पे मान लो मैंने कोई एमीटर लगा रखा है, एमीटर करंट मेजर करता है। ये मान लो 4, ये मान लो 4, ये भी 4 और ये भी मान लो 4। ठीक है, सब आइडेंटिकल मान लो, सिंपल सिंपलिसिटी के लिए। ये मान लो कुछ हो जाएगा 20 वोल्ट। ओके, अब आपसे पूछा गया है V1, V2 और एमीटर की रीडिंग बताओ। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मुझे करंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ मैं भाई, ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो जो इनका 2 हो जाएगा, 2
2 plus 4, 6, 6 plus 4, 10. तो R equivalent कितना आ गया आपका 10 ohm. So current कितना हो जाएगा? Potential difference कितना है मेरे पास? 20. R equivalent कितना है? 10. तो current आ गया मेरे पास 2 ampere. कि मतलब कितना करंट पास हो रहा है यहाँ से? 2 एम्पीयर करंट पास हो रहा है. तो रीडिंग क्या होगी एमीटर की? 2 एम्पीयर. अच्छा, अब यहाँ से कितना करंट पास हुआ आपका? 2 एम्पीयर. ओके, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा रेजिस्टेंस पोटेंशियल को कंज्यूम कर लेते हैं. तो ये कितना पोटेंशियल कंज्यूम कर लेगा? रेजिस्टेंस इनटू में करंट. करंट कितना पास हो रहा है यहाँ से? 2. तो कितना पोटेंशियल कंज्यूम कर लिया इसने? 8 वोल्ट. ठीक. अच्छा, अब 8 वोल्ट तो ये कंज्यूम कर लेगा. अब यहाँ पे आते हैं. अब यहाँ से कितना करंट पास होगा आप देखते हो? यहाँ से भी 2 एम्पीयर करंट पास होगा. और ये कितना पोटेंशियल कंज्यूम कर लेगा? अगेन 8 वोल्ट. तो 8 वोल्ट इसने करा, 8 वोल्ट इसने करा. रिमेनिंग कितने बच गया मेरे पास? 4 वोल्ट. ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि V1 किसके बराबर होगा? 4 वोल्ट के बराबर होगा. और V2 किसके बराबर हो जाएगा? 8 वोल्ट के. या एक तरीका तो ये है. एक तरीका क्या है कि इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो 2 ओम से. ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम. ओके, करंट कितना पास हो रहा है वहां से? 2. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा मेरे पास? 4. तो V1 की रीडिंग यहां से भी 4 आ रही है. ठीक है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, लॉजिकली बता सकते हो. अगर यहाँ 8 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो यहाँ पे रिमेनिंग बच रहा होगा 4 वोल्ट. या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 4 होगा 2, 2 में से कितना करंट पास हुआ? 2 एम्पीयर. तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा मेरे यहाँ पे? 4 वोल्ट. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था. अभी ना चीज़ें खत्म नहीं हुई, आगे भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी. ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक या दो ही न्यूमेरिकल ले रहा हूँ हर एक कॉन्सेप्ट का. ठीक है, अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं सिमेट्री के ऊपर. ये बेसिकली है क्या? सिमेट्री प्रॉब्लम्स हैं. ओके, अब दो तरह की सिमेट्री होती है. एक होता है मिरर सिमेट्री, एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री. तुम लोग पहले देख लेते हैं, मिरर सिमेट्री देख रहे हैं. मान लो मेरे पास कोई भी सर्किट है इस तरीके से. आपके पास मान लो कोई भी सर्किट है इस तरीके से, ये मान लो ए, ये बी. आपको R इक्वलेंट निकालना है अबाउट ए बी, ये आपको निकालना है. अब आप ना कुछ भी नहीं बोल सकते कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, देख के तो कुछ नहीं बोल पाओगे. और ये सब आइडेंटिकल है. ठीक, बट आप एक बात बोल सकते हो, जो करंट यहां पे आएगा आई, अब करंट मेरा डिवाइड होगा. मान लो कि कुछ करंट चला गया यहां से और कुछ करंट चला गया यहां से. ठीक, यहां से गया आई वन, यहां से गया आई टू. ठीक है, अब देखो अगेन यहां पे कितना करंट होना चाहिए आपका? आई करंट होना चाहिए भाई. जितना भी करंट होगा फाइनली यहां पे आई बन जाएगा. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, जब करंट यहां पे डिवाइड हुआ था, यहां पे गया, इस आर में से कितना पास हुआ? आई टू पास हुआ. इसमें से कितना पास हुआ? आई वन पास हुआ. तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से कितना आएगा मेरे पास? आई वन. और यहां से कितना आएगा मेरे पास? आई टू, सिमेट्री की हेल्प से. ठीक, ओके. और आप क्या देख रहे हो, यहां पे एक सिमेट्री भी आपको दिखाई दे रही है अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है, मतलब जो यहां पे राइट पोर्शन है वो आइडेंटिकल है किसके? लेफ्ट पोर्शन के. ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री को आप क्या बोलते हो? मिरर सिमेट्री बोल रहे होते हैं. ठीक है, अगर आपका राइट एग्जैक्टली सेम है किसके? लेफ्ट वाले के, तो आप बोल सकते हो आपकी मिरर सिमेट्री है. आपको हमेशा मिरर सिमेट्री देखनी है अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, याद रखना है. परपेंडिकुलर किसके? इस ए बी वाली एक्सिस के. ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको बताना है कि मिरर सिमेट्री है फोल्डिंग सिमेट्री है. तो आपको याद रखना है इस एक्सिस के या इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री देखनी होती है. अगर सिमेट्री है तो कौन सी सिमेट्री होगी? मिरर सिमेट्री होगी. ठीक है, तो आप बोल सकते हो अगर यहाँ पे करंट आपको I2 मिल रहा है और यहाँ से I2 गया था, तो इसका मतलब किसी भी तरह का ना तो इस ब्रांच में करंट ऐड हुआ है और ना ही यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, तो जो I2 गया यहाँ से वो I2 डिवाइड हो गया, कुछ I2 का पोर्शन यहाँ से पास हो जाएगा, कुछ यहाँ से पास हो जाएगा, और फाइनली दोनों मिलकर क्या बना देंगे? I2 बना देंगे. सिमिलरली अगर यहाँ पे I1 मिल रहा है, तो यहाँ से जो I1 आया था वही I1 आपको यहाँ मिल रहा है, तो ना तो इस ब्रांच के अंदर कुछ करंट आया ना यहाँ से कुछ गया है. ओके, तो अभी सर्किट को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं. अगर कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ तो ये ए पॉइंट है, आपका बी पॉइंट है, ये आर, ये आर, ये आर. ठीक है, अब आप इजीली बता पाओगे कि इनका आर इक्वलेंट क्या होगा. देखो आर आर आपस में कैसे हो गए? सीरीज में. फिर टू आर और आप आर आप कैसे हो गए? पैरेलल में. तो कितना आ जाएगा वहां से? टू आर बाय थ्री, टू आर बाय थ्री आर आर आपस में कैसे हो जाएंगे? सीरीज में. ठीक है, क्योंकि जो करंट यहां से पास होगा वो यहां से भी पास होगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं एक बार, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है. ये R, ये कितना हो गया? देखो आर आर टू आर और R आपस में कैसे हैं? पैरेलल में. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों का एडिशन, तो टू आर बाय थ्री ये R. ये तीनों कैसे हो गए सीरीज में? क्योंकि जो करंट यहाँ से पास हो यहाँ से भी पास हुआ, यहाँ से भी पास हुआ. ठीक है,
तो सीरीज में तो हम लोग इनको लिख सकते हैं 2R बाय 3 प्लस में R प्लस में R, तो ये कुछ आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 6 प्लस 2 8R, ठीक है। तो इन तीनों का R इक्वलेंट है मेरे पास 8R बाय 3, और वो नीचे वाले के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। तो मतलब नीचे कितना मेरे पास 2R, तो 8R बाय 3 इंटू में 2R, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय उन दोनों का एडिशन, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 6 प्लस मतलब 14R, ये कुछ हो गया R से R खत्म, मतलब 8R अपॉन में 7 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन की पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आपको हमेशा अगर मिरर सिमेट्री है तो किस एक्सिस का बॉर्ड देखनी है, इस गिवन एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस का बॉर्ड, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री। अब फोल्डिंग सिमेट्री क्या देखते हैं, मान लो आपके पास कोई भी सर्किट है इस तरीके से, ठीक, आपके पास ये ए है, ये मान लो बी है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये सब आर आर ओम के हैं, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आपको समझना है कि जितने भी रेजिस्टेंस है सब आर आर ओम के हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, आप क्या देख रहे हो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, मैं इसको अगर इस पर फोल्ड करूँ, फोल्ड कर सकता हूँ ना इसको, तो इस एक्सिस के अबाउट आपकी कौन सी सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, फोल्डिंग सिमेट्री दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। या फिर आप लॉजिकली बोल सकते हो, अगर यहाँ पे पोटेंशियल ए है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि आप क्या देख रहे हो जो लॉस हुआ है वो तो सेम हुआ है ना, यहाँ से ए पोटेंशियल गया, रास्ते में आर ओम आ गया, कुछ इसने कंज्यूम कर लिया, जो बचा वो यहाँ मिल गया, सेम यहाँ पे भी कुछ हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर डी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, डी होगा, ठीक, अगर यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे कुछ भी मान लो आप ई, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है आपके पास, दो। अगर ये पॉइंट ए है और ये सी है, तो ए और सी के बीच में कितने आपके पास, दो। ए और ई के बीच में कितना है, एक। फिर ई और बी के बीच में कितना है, अगेन वन, ठीक। सी और ई के बीच में देखो कितने हैं, दो। सी और ई के बीच में कितने हैं, दो, ठीक है, आपको समझना है थोड़ा सा, ओके। फिर सी और डी के बीच में कितने हैं, दो, ठीक है, ये दो आपके, ठीक है। अब ई और डी के बीच में कितना है, ई डी, ई डी, अगेन यहाँ पे भी दो हैं, ठीक। अब डी और बी के बीच में अगेन दो हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये आर आर, मतलब इनका आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, आर बाई टू, 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 मतलब इनको मैं लिख सकता हूँ आर बाई टू से, आर बाई टू से, अगेन आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, और ये भी आर बाई टू, ठीक है। फाइनली आप बी पॉइंट पे आ गए। अब जैसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में था, ये वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगेन वैसे सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगेन आप क्या बोलोगे, जो करंट यहाँ से आएगा कुछ करंट यहाँ से पास होगा, कुछ यहाँ से पास होगा, ठीक है। अगेन वो यहाँ पे जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, वही करंट जो यहाँ जा रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट आप एक सिमेट्री देख रहे हो, ठीक है। और ये बेसिकली इन पॉइंट के कैसे है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। तो उस सिमेट्री को आप क्या बोलते हो, मिरर सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री भी एक्ट कर रही थी आपकी, और मिरर सिमेट्री भी एक्ट कर रही थी, ठीक है, ओके। कभी आप ये मत बोल देना कि सर अगर इसको मैं ऐसे देखूं, अगर इसको मैं ऐसे देखूं तो आपको मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है, ऐसे मत बोल देना सर, ठीक है, ओके। आपको बता चुका हूं मैं कि आपको मिरर सिमेट्री देखनी है हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था। एक हम लोग ना क्वेश्चन देख रहे हैं सिमेट्री के ऊपर ही, ओके। आपको बोला गया है कि ए पॉइंट के अबाउट और बी पॉइंट के अबाउट रेजिस्टेंस बताओ। जितने भी यहाँ पे आप आर्म देख रहे हो, जितने भी आप यहाँ पे साइड देख रहे हो, सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर, मतलब ये भी आर, ये भी आर, जितने भी हैं इन सबका आर आर रेजिस्टेंस है, ओके। और मुझे बोला गया है, ठीक है, इन सबकी जो लेंथ है वो भी इक्वल है, मतलब ये जो लेंथ है वही लेंथ, ये भी और ये वही लेंथ, ये भी, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ओके। ऐसे ये भी इक्विलेटरल है, ओके, सबकी लेंथ सेम है। अच्छा, आपको रेजिस्टेंस बताना है ए बी का, तो हम लोग क्या करेंगे देखो, ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि इन पॉइंट के अबाउट मुझे रेजिस्टेंस बताना था, इस एक्सिस के अबाउट आपको एक सिमेट्री दिखाई दे रही है, फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। आप क्या बोलोगे, अगर यहाँ पे पोटेंशियल ए, यहाँ पे मान लो सी, तो यहाँ पे भी सी, यहाँ पे डी तो यहाँ पे डी, यहाँ पे ई
तो यहाँ पे भी E, यहाँ पे F, तो यहाँ पे भी F, और यहाँ पे G, तो यहाँ पे भी G, बोल सकते हैं हम लोग सिमेट्री की हेल्प से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C, यहाँ पे C, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो मतलब मैं इन ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। और आप क्या देख रहे हो, ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? दो। ओके, ये मेरा ए पॉइंट है, ओके। अब बेसिकली मैंने किया क्या है, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करा दिया, ठीक है। सुपर इम्पोज करा दोगे तो ए और सी के बीच में दो हो जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आर बाई टू, ठीक है, आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, क्योंकि ये मेरा क्या है, सी डी के बीच में दो हो जाएंगे, फिर डी के बीच में दो हो जाएंगे, तो ये भी आर बाई टू, और ये मेरे पास क्या है, आर, फिर ये भी आर होगा, ठीक है। एक मिनट, कि ये सी ई है, सॉरी, ये भी क्या हो जाएंगे, आर बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, और ये भी R बाई टू, और फाइनली ये मेरे पास क्या बचेगा, R बचेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर हो गया था तो R बाई टू, ये इसके ऊपर R बाई टू, ये इसके ऊपर R बाई टू, R बाई टू, R बाई टू, ओके, R बाई टू, और फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, R बाई टू, सॉरी, ठीक है। तो फाइनली मैं पहुंच गया B पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसी ये अप्रोच लगाना है, देखो ये R बाई टू, R बाई टू, R बाई टू हो जाएगा R, R, R बाई टू के साथ कैसा है, पैरेलल में, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, R इंटू में R बाई टू डिवाइड बाय इन दोनों का एडिशन, तो ये यहाँ से मेरे पास आ गया आर बाई थ्री। अब इसका आर बाई थ्री, तो इसका भी आर बाई थ्री, ठीक है, आर बाई थ्री, आर बाई थ्री क्या हो जाएगा, टू आर बाई थ्री, और ये आर बाई टू, आर बाई टू कैसा हो जाएगा, आर, ओके। सो मेरे पास यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, थ्री, ये हो जाएगा मेरे पास फाइव आर अपॉन में थ्री, ओके। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो अब आपको ना कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए क्यूब के बारे में, कि क्यूब में आपके 12 एजेस होती हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है, ओके। और हमें बोला गया कि जो क्यूब का जो एज है उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर ओम के बराबर है, मतलब आइडेंटिकल रजिस्टर है हर एक एज के अबाउट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 12 रजिस्टर है हर एक एज पे। अब आपको रजिस्टेंस निकालना होगा अबाउट द बॉडी डायगनल, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है वो बेसिकली क्या आपका बॉडी डायगनल पॉइंट है, ठीक है, डायगनल दिख रहा है आपको बॉडी के अबाउट। अब देखते हैं फेस डायगनल क्या होता है। आप क्या देख रहे हो, जो ए डैश वाला पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, ये बेसिकली क्या है, फेस डायगनल है आपके, ठीक। मतलब ऐसे बहुत सारे फेस डायगनल हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ सी, तो ए डैश और सी बेसिकली क्या होंगे, मेरे फेस डायगनल होंगे। अब रह गया एच डाय अबाउट, सॉरी अबाउट एच, अबाउट एच, ओके, ठीक है। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी भी क्यूब में आपके 12 एजेस होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक एज ले लिया, ए डैश बी डैश, ठीक है। इनके अबाउट आपको रेजिस्टेंस निकालना है, बॉडी डायगनल के अबाउट, फेस डायगनल के अबाउट और एज के अबाउट, ठीक है। तो मैं आपको इन तीनों का प्रूफ नहीं बता रहा, किसी एक का बता रहा हूँ, बट अगर आप एक का सीख गए ना तो आप तीनों का खुद से भी कर सकते हो बाद में जो बचे हैं, तो ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट, देखो सबसे अच्छा प्रूफ होता है एज वाले का, ठीक है। तो आपको अप्रोच सीखना होगा, ठीक है, अप्रोच हमें सेम लगने वाला है। अब देखो मैंने कोई भी एक क्यूब बना दिया, आपको समझना है कि हर एक क्यूब का जो एज है उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर, ठीक। मान लो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, आपको यहाँ से करंट लीव कर रहा है, आई करंट आया, आई करंट ही लीव कर गया। अब देखो आप सिमेट्री देखो, आपको ए से बी जाना है, ए से बी जाने के लिए आपके पास कौन कौन से पाथ अवेलेबल हैं। एक तो पाथ ये वाला है डायरेक्ट, ठीक, और एक ये पाथ है, ये आप पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ठीक। एक पाथ ये वाला भी हो सकता है, ये ये ये, और आप क्या देख रहे हो, ये वाला जो पाथ है, मैं कुछ नाम देता हूँ तो ईजी रहेगा आपको, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक, ओके, और ये कुछ भी मान लो आप, ई एफ जी एच, ठीक है, ओके। हम इसको बाद में चेंज भी करते रहेंगे। देखो आपका जो पाथ है, ए, ए से सी गए, आप सी से डी गए, फिर डी से चले गए बी पे, ठीक है। अब इस रास्ते में आपके पास कितने रेजिस्टेंस आए, एक दो तीन, एक ये वाला पाथ देखो, आप ए से गए ई पे, ई से गए एफ से, एफ से गए, एफ से गए बी पे, ओके। तो अगेन इस रास्ते में कितने रेजिस्टेंस आए, वन टू थ्री, ओके। तो ये दोनों ही पाथ कैसे आपके आइडेंटिकल पाथ है, तो इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल आपका इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। तो मैं अगर इस पोटेंशियल को बोल रहा हूँ मैं सी, तो ये भी मेरा किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, ठीक है। वो मैं पाथ की बात कर रहा था वहाँ पे, ओके। आप पहुँच गए डी पे, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा क्या होगा, डी होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं, अब देखो अब यहाँ पे आप पहुँच गए सी पे, ठीक है, ओके। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है मेरा जी, और यहाँ पे मान लो कुछ पोटेंशियल है एच, ठीक है, ओके। अब आपको ना बेसिकली पॉइंट्स को शो करना है विद देयर पोटेंशियल। मान लो मेरे पास ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और ये मान लो सी पॉइंट है। अब ए और सी के बीच में दो रजिस्टर है, एक दो, और दोनों आइडेंटिकल है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ आर बाई टू से, क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट क्या आर बाई टू। अब देखते हैं ए सी के बीच में दो गए, अब सी और डी के बीच में देखो दो हैं, एक दो, अब सी और डी के बीच में अगेन दो हैं। अब आते हैं हम लोग डी, डी से बी के बीच में अगेन दो हैं, एक दो,
और दोनों कैसे हैं पैरेलल में, तो इसको मैं लिख दिया डायरेक्टली आर बाई टू। और फाइनली आप पूछे और देखते हैं, अब हम लोग सी पे आ चुके थे, अब सी से जी के बीच में देखो दो हैं, सी से ये मान लो कोई पॉइंट सी जी है मेरा, इसके बीच में भी कितने हैं दो, ठीक। अब जी और एच के बीच में एक है, देखो जी और एच के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है, ये मान लो कुछ भी पॉइंट एच है। अब एच और डी के बीच में देखो दो है, एक दो, ठीक है, दोनों पैरेलल में हैं तो ठीक है, लिख सकते हैं इसे। ओके, अब देखते हैं कि कितने रेजिस्टेंस हो गए, दो चार छः आठ, आठ दस और एक ग्यारह, एक रेजिस्टेंस अभी भी है आपका, हाँ एक रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर ओम का, ठीक है। तो आपने सारे रेजिस्टेंस शो कर दिए बारह के बारह, ठीक है, ये दो का कॉम्बिनेशन है इस हमारे, इसको मैं दो काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, दो चार छः आठ दस ग्यारह बारह, ठीक है। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो इजिली, ठीक है, ये मेरे पास क्या है आर, आर आर बाई टू, आर बाई टू आर, आर प्लस आर टू आर, तो ये टू आर हो गया, टू आर आर बाई टू के साथ कैसा है पैरेलल में, सो टू आर और आर बाई टू आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का एडिशन, तो मेरे पास हो जाएगा कुछ, ठीक है, ये कुछ आ गया मेरे पास, ये टू से कुछ चला गया, टू आर बाई फाइव, ठीक है, इनका होगा टू आर बाई फाइव प्लस में आर, क्योंकि इन दोनों का बन जाएगा आर, तो टू आर बाई फाइव प्लस में आर, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेवन आर बाई फाइव। अब सेवन आर बाई फाइव आर के साथ कैसा है पैरेलल में, ठीक है, मतलब इन सबको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सेवन आर बाई फाइव से, और वो आर के साथ कैसा है पैरेलल में, तो सेवन आर बाई फाइव इंटू में आर डिवाइड बाई उन दोनों का एडिशन, तो ट्वेल्व आर अपोन में फाइव, ठीक है, तो ये आर से आर खत्म, फाइव से फाइव खत्म, तो मेरे पास आ गया सेवन आर अपोन में ट्वेल्व, ठीक है। तो इस तरीके से ना बहुत बेसिक तरीके से प्रूफ कर सकते हो किसी का भी, ओके। तो आपको ना बेसिकली आपको देखना है कि कौन कौन से आपके आइडेंटिकल पाथ हैं, आपने क्या देखा यहाँ पे दो ही पाथ आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो उनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा। अब इसकी छोटी सी ट्रिक भी है वैसे, अगर आपको ये याद हो जाए, अगर ये प्रूफ करने आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रिक से भी इनकी वैल्यू याद रख सकते हो डायरेक्टली। ट्रिक क्या है देखो, इलेक्ट्रिसिटी, अब हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फोर बॉक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फोर बॉक्स। अब ई स्टैंड किसके लिए, एज के लिए, और ये फेस डायगनल के लिए और ये बॉल डायगनल के लिए। ट्रिक क्या है, टू थ्री, टू थ्री, ये सॉरी थ्री फोर, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ट्वेल्व, ओके, इनको आप ऐसे याद रख लो, देखो मैं दोबारा बताया था ट्रिक क्या है, सॉरी ये ट्रिक है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे लिखना, देखो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ट्वेल्व, ओके, इससे आप याद कर लोगे। देखो अभी हमने प्रूफ भी किया था एज के अबाउट कितना आया था, सेवन आर अपॉन में ट्वेल्व, और ट्रिक में भी ऐसे, ओके, तो आप कैसे भी इनको याद कर लो, ठीक है। तो ये छोटा साइड है था, ओके, तो ये कुछ हमारे टॉपिक थे रेजिस्टेंस के ऊपर, हम लोग आगे मूव करते हैं सर्किट थ्योरी के ऊपर, ठीक है। उससे पहले आपको बहुत बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए कि नहीं कुछ साइन कन्वेंशन है, ठीक है, अगर आप मूव कर रहे हो ए से बी की तरफ, ठीक है, और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड पहले आया और बाद में नेगेटिव एंड आया, ठीक है, तो इसको आप कैसा कंसिडर करोगे, नेगेटिव, क्योंकि प्लस से माइनस लॉस हुआ ना आपका, तो लॉस मतलब नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे पास वी, अगर आप मूव करते हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो बेनिफिट हुआ आपका, तो प्लस वी लिखूंगा इसको मैं, ठीक है। ऐसे हम लोग देखते हैं रजिस्टर के केस में, अगर आप जा रहे हो ए से बी और करंट भी जा रहा है ए से बी, और करंट हमेशा मूव करता है प्लस से माइनस, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो लॉस हुआ यहाँ पे, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस रजिस्टर वो कैसा आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस लॉस हुआ है ना, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, आई इंटू में आर, तो मतलब ये आई आर मेरा कैसा आ गया, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, करंट ऐसे आ रहा है बी से ए की तरफ, और जो मैं जा ए से बी की तरफ रहा हूँ, ठीक, तो माइनस से प्लस बेनिफिट हुआ, तो लिखूंगा इसे प्लस वी आर, वी आर मतलब प्लस आई आर, ठीक है। तो कुछ छोटा सा साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, हम लोग हमें ना बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल कितना है वी ए, करंट जाता है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो, तो लॉस हुआ ना आपका, प्लस से माइनस की तरफ गए तो लॉस हुआ, और लॉस किसके बराबर होता है, लॉस पोटेंशियल डिफरेंस से कितना हुआ भाई, करंट कितना है टू और रेजिस्टेंस कितना है टू, तो फोर, फिर माइनस से प्लस बेनिफिट हुआ कितने का, फोर का, फिर करंट कितना है यहाँ से टू, प्लस यहाँ माइनस यहाँ अगेन लॉस हुआ है कितने का, करंट कितना है टू और रेजिस्टेंस कितना है वन, टू का लॉस हो गया, फिर प्लस से माइनस अगेन लॉस हुआ सिक्स का, और फाइनली आप फिर हाँ रास्ते में एक और अगर रेजिस्टेंस प्लस से माइनस अगेन लॉस हुआ है फोर इंटू में टू, और फाइनली आप कहाँ पहुँच जाओगे, वी वी पे, ओके। सो वी ए माइनस वी वी किसके बराबर आ गया, ये फोर से फोर चला गया, ये हो जाएगा देखो एट सिक्स फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा सिक्सटीन वोल्ट, ओके। सो आपको ये अप्रोच याद रखना है कैसे हम लोग मूव करते हैं सर्किट के अंदर, इसी वजह से हम बोल रहे हैं सर्किट थ्योरी, ओके। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमें अगेन लिखना क्या है, वी ए माइनस वी वी लिखना है, ओके। अब करंट ना यहाँ से आ रहा है और मैं जा रहा हूँ ए से बी की तरफ, तो देखो यहाँ मान लो पोटेंशियल कितना है वी ए, करंट कितना है यहाँ पे टू, अब देखो करंट यहाँ पे आ रहा है इस तरफ, तो यहाँ प्लस का होगा यहाँ माइनस का होगा, तो माइनस से प्लस बेनिफिट हुआ तो प्लस का आ गया, करंट कितना पास हो रहा है यहाँ से दो, रेजिस्टेंस कितना है टू, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा फोर यहाँ पे, फिर आ गया हम यहाँ पे प्लस से माइनस लॉस हुआ,
ठीक है, तो माइनस का 4 आ गया। फिर करंट कितना है, 2। करंट कितना पास हो रहा है, 2। माइनस से प्लस बेनिफिट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 1, क्योंकि V इक्वल टू होता है आपका IR, मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से प्लस बेनिफिट हुआ है 2 का, और फिर प्लस से माइनस लॉस कितने का, 6 का, और फाइनली आप पहुँच गए VB पे। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कुछ VA माइनस VB आ जाएगा, ये 4 से 4 खत्म, ये हो जाएगा 4 से 4 खत्म, ये हो गया मेरे पास माइनस 4, माइनस 4 इधर आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो आप इन तरीके से ना सर्किट में आप मूव कर सकते हो इनके हेल्प से। अब नेक्स्ट क्या है, EMF। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बेसिकली कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, फोर्स नहीं है यहाँ पे कुछ भी ऐसा। अब EMF होता क्या है, देखो आप जो भी सेल परचेज करके आते हो कभी मार्केट से, आपने देखा है कि उसके ऊपर ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मार्क होता है, कुछ लिखा होता है कि 1.5 वोल्ट, वो 1.5 वोल्ट उसका ना EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब इसका मतलब क्या है पहले हम समझ लेते हैं। देखो EMF होता क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। मतलब जितना बैटरी काम करती है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए, वो किसके बराबर होती है, EMF के बराबर होती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि बैटरी काम क्यों करती है। देखो अब देखो यहाँ पे मेरा हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो आप क्या देखोगे, अपने आप ही चार्ज मूव कर जाएगा हाई से लो की तरफ, तो मेरा चार्ज आ गया यहाँ पे लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। और आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये चार्ज है लो पोटेंशियल पे, इसको जाना किस पे, हाई पोटेंशियल पे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना इसको लो से हाई पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हाई से लो तो अपने आप मूव कर जाती है, बट आपको उसे लो से हाई पे ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, और यहाँ पे वर्क डन कौन कर रही है, बैटरी कर रही है, ठीक है, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेरा चार्ज मूव कर जाएगा लो से हाई की तरफ। तो जितना बैटरी वर्क डन करती है किसी भी यूनिट चार्ज को लो से हाई पे ले जाने के लिए, वही मेरा क्या होता है, EMF होता है, ओके। अच्छा जी, EMF की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब देखो EMF ना हम लोग जब मेजर करते हैं, जब मेरा सर्किट कैसा हो, ओपन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सर्किट मेरा कैसा है, ओपन, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा EMF के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो अब आपको पता है जो हमारा सेल होते हैं बेसिकली, अब इनके अंदर ना एक इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पे आपका कुछ इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इस इलेक्ट्रोलाइट का भी, इलेक्ट्रोड का भी। अब इनका जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंटर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। सो इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है क्या, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक, ओके। और हमेशा जो इंटर रेजिस्टेंस है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेल के साथ सीरीज में, मतलब ये है रेजिस्टेंस इसका सेल का अंदर का, मतलब ठीक है, उसको हम लोग हमेशा बाहर दिखाते हैं, ठीक है, इसके साथ सीरीज में, ओके। तो मेरे पास एक कंप्लीट सेल बन चुका है, ठीक है। अब जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, ये बता चुका हूँ आपको। वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सेपरेशन कितना है इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इन तीन फैक्टर्स पे आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ओके। और हमेशा हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज में विद द सेल, ओके, और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये क्या होता है, देखो मान लो मेरे पास कोई भी एक सेल है जिसका EMF कितना है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक। इसके साथ मैंने कोई भी एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है सीरीज में, ठीक है। अब कुछ ना कुछ करंट मेरा फ्लो करेगा, मान लो मेरा करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ओके। अब देखो जब ये करंट फ्लो करेगा, अब आपको बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, ये बैटरी, ये सेल का क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये इसका क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो अंदर का है बट दिखाते बाहर है, ठीक है। ये मान लो मेरा क्या है, बी पॉइंट, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हम लोग निकालते हैं जब सर्किट कैसा हो, क्लोज, क्योंकि जब क्लोज होगा जभी तो करंट फ्लो होगा, ओके। अगर क्लोज नहीं होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर सर्किट मेरा क्लोज नहीं है तो उस केस में आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, EMF के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है, तो VA माइनस VB आपको फाइंड आउट करना है। ये मेरा बेसिकली क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अगेन जैसा आप लोगों ने अभी लिखना सीखा था सर्किट थ्योरी के अंदर, उसी हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ मान लो पोटेंशियल कितना है VA, आप जा रहे हो प्लस से माइनस से लॉस, ठीक है। करंट ऐसे आएगा आपके पास, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो करंट ऐसे आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ओके। करंट हमेशा मूव करता है प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा जब इस तरफ मूव करा है करंट, ठीक है। तो माइनस से प्लस आपका क्या हुआ, बेनिफिट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, IR, और फाइनली आप कहाँ पहुँच जाओगे, VB पे। सो VA माइनस VB किसके बराबर आ गया, E माइनस IR के। तो आपको याद रखना, अगर सेल मेरा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, ठीक है, अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उस टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, E माइनस IR के। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग की, बात करते हैं
कि हम लोग इस सेल को ना चार्ज कर रहे हैं विद द बिगर बैटरी, जैसे आपने देखा ना चार्जेबल सेल आते हैं, ठीक है, वैसी बात हो रही है कुछ, ओके okay. ये मान लो मेरे पास कोई भी एक बड़ी बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो आप या ईएमएफ मान लो ई नोट है, ठीक. अब हम लोग ना चार्ज कर रहे हैं अपने इस गिवन सेल को जिसका ईएमएफ कितना ई, इंटर रेजिस्टेंस क्या है आर. अब आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब यहाँ के पॉइंट का डिफरेंस और यहाँ के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ उसको. अब इस केस में जो करंट होगा वो ऐसे मूव करेगा क्योंकि करंट तो यहाँ से आ रहा है, इसको चार्ज करना है आपको, ठीक है. तो करंट ऐसे मूव करे तो यहाँ प्लस या माइनस, ठीक है, ओके. तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, पोटेंशियल कितना है वी ए, फिर प्लस से माइनस तो लॉस हुआ, माइनस ई आ गया, फिर प्लस से माइनस अगेन लॉस हुआ, माइनस आई आर, ठीक है. और फाइनली आप कहाँ पहुँच जाओगे, बी पे. तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आ गया, ई माइनस आई आर के, सॉरी ई प्लस आई आर के, ठीक. अब ये बेसिकली मेरा क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और वो किसके बराबर है, ई प्लस आई आर के, ओके. तो कई बार आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोनों. सो नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ में जो आपका फर्स्ट लॉ है उसे हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ. करंट लॉ क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ओके. इसको हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई जंक्शन है, ठीक है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से मेरा कुछ करंट आगे चला गया. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे नेट करंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा. हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो मेरे इनकमिंग करंट है, ठीक है, वो कैसे है, नेगेटिव. आप कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है. इनकमिंग करंट कैसे है मेरे, नेगेटिव है. और आउटगोइंग करंट कैसे है मेरे, पॉजिटिव, ओके. सो ये मेरा इनकमिंग करंट है तो माइनस आई वन, ठीक है, ये भी आ रहा है मेरे पास तो माइनस आई टू, और ये करंट आगे जा रहा है प्लस आई थ्री. जितने भी करंट होगा किसी भी जंक्शन पे उन सबका जो समीशन होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा. मतलब समीशन ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं आई थ्री किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, आई वन प्लस आई टू के, ठीक. आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ओके. और आपको याद रखना है जो फर्स्ट लॉ है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को. इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज आपका आएगा उतना ही चार्ज आगे वो डिलीवर हो जाएगा, किसी भी तरीके से आपका चार्ज एकोमुलेट नहीं होगा जंक्शन पे, ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ. किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोल रहा है आपको कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो. मतलब किसी भी क्लोज लूप में जो सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो हमेशा जीरो आएगा. ये कौन बता रहा है आपको, सेकंड लॉ बता रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है. इसको हम लोग बस समझते हैं कैसे. मान लो मेरे पास ये कुछ पॉइंट है ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है. मेरे पास बेसिकली कोई सर्किट था उसमें से मैंने एक एलिमेंट रिमूव कर लिया, ठीक है, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है, कि यहाँ से मान लो कुछ करंट आ रहा था, यहाँ से चला गया आई वन, यहाँ से आई टू चला गया, यहाँ से आई थ्री चला गया, यहाँ से आई फोर चला गया. आप कन्फ्यूज मत होना कि सीरीज में नहीं है सब, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ब्रांच का सेक्शन है कहीं से, उसको मैंने वहाँ से, ठीक है, डिटैच किया है बस, ठीक है. सो अब देखते हैं हम लोग, हमें सर्किट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे लिखा जाता है. सो अब हम लोग ना इसको देख रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल कितना है वी ए, आप इधर जा रहे हो. आप ऐसे याद रखो, आप कंफ्यूज नहीं हो कभी भी, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में अगर करंट भी जा रहा है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है. भाई ऐसे मैंने आपको बताया था ना, करंट जाता है प्लस से माइनस तो नेगेटिव लिखूंगा, या फिर इसको आप ऐसे याद रख लो, अगर आप जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में तो हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस रजिस्टर वो नेगेटिव होगा. बार बार आपको प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है. तो प्लस माइनस खाली समझने के लिए था स्टार्टिंग में बस एक बार, ठीक है. बट आप ये बात याद रखो, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस रजिस्टर वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव. अगर आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस रजिस्टर वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. तो आप करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ड्रॉप कैसा होगा मेरा, नेगेटिव. तो माइनस आई वन आर वन, फिर ये बैटरी का पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हुआ आपका, लॉस. तो ई वन, फाइनली आप कहाँ पहुँच गए, वी बी पे. तो मेरे पास आ गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई वन आर वन प्लस ई वन. अब हम लोग लिखते हैं इसके लिए, ठीक है. तो इसे मैं लिखता हूँ वी बी माइनस आई टू आर टू प्लस ई टू इज इक्वल टू वी सी. माइनस से प्लस बेनिफिट हुआ था, ठीक है. और इसको मैं लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी सी माइनस ई टू प्लस आई टू आर टू. ओके, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है, ये सेकेंड इक्वेशन है. अब हम लोग देखते हैं इसके लिए वी सी, फिर आप इधर जा रहे हो करंट भी ऐसे जा रहा है तो आई थ्री आर थ्री, प्लस से माइनस तो लॉस हुआ, ठीक. और फाइनली आप कहाँ पहुँच जाओगे, डी पे. तो वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू आई थ्री आर थ्री ई थ्री, ये मेरी हो गई थर्ड इक्वेशन. ओके, अब हम लोग आते हैं इससे वी डी प्लस से माइनस तो लॉस हुआ आपका ई फोर माइनस का, फिर आप भी ऐसे जा रहे हो करंट भी ऐसे जा रहा है तो माइनस का आई फोर आर फोर इज इक्वल टू वी ए.
तो वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई फोर प्लस आई फोर आर फोर, ये मेरे पास आ गया फोर्थ इक्वेशन। अगर मैं वन सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इनको मैं ऐड कर दूँ तो आप क्या देखोगे, वी ओ वी ए प्लस का वी ए माइनस का कट जाएगा, वी डी माइनस का वी डी प्लस का, वी सी प्लस का वी सी माइनस का, वी बी प्लस का वी बी माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा सब कुछ जीरो, ओके। और यहाँ पे बेसिकली क्या बचेगा देखो, ई वन माइनस ई टू प्लस ई थ्री ई फोर, तो इसको मैं लिखता हूँ समीशन ऑफ ई एम एफ, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है ओके, समीशन लिख दिया, प्लस में समीशन ऑफ आई आर, तो यहाँ पे कुछ भी होगा आई वन आर वन आई टू आर टू जो भी होगा, तो इसका समीशन लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये आपका क्या है सेकेंड लो, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही आपके उनका जो समीशन है वो जीरो के बराबर है, ये हमारा क्या है सेकेंड लो। और सेकेंड लो किसको शो करता है, हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ओके। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, आपको पता है आपके कौन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, फॉर अ कंप्लीट पाथ, फॉर अ कंप्लीट पाथ, ठीक है, तो आपका जो एनर्जी होता है वो कंजर्व होती है ना, अगर आपके पूरे सिस्टम में, ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारी एनर्जी है वो कंजर्व है। या फिर आप सिंपली ऐसे याद रखो कि सेकेंड लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ओके ओके। सो हम लोग ना आप कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं इन्हीं के ऊपर, मुझे बोला गया है करंट निकालना है इसके अंदर, ठीक, तो हम लोग करंट कैसे निकालेंगे अभी मैं बता चुका हूँ आपको, जो समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। मान लेते हैं कि इसमें कुछ करंट है आई, और मैंने करंट ऐसे मान लिया, कहीं भी मान सकते हो आपका जहाँ मन करे, ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है, बट मुझे अच्छा लगा मैंने ऐसे ऐसे मान लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस से माइनस लॉस फाइव का, फिर यहाँ कुछ नहीं है, फिर माइनस से प्लस बेनिफिट टू का, फिर यहाँ से हम जा ऐसे रहे और करंट भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा, रेजिस्टेंस कितना है फोर और करंट कितना है यहाँ से आई, फिर माइनस से प्लस बेनिफिट प्लस में फाइव, फिर कुछ नहीं, फिर प्लस से माइनस लॉस, फिर अगेन लॉस टू आई, उन सब का समीशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिक्स आई, ये हो जाएगा फाइव से फाइव चला गया, और टू प्लस टू माइनस फोर माइनस टू, तो करंट मेरे पास कितना आ गया, माइनस वन अपॉइंट थ्री। माइनस क्या शो कर रहा है कि जो आपने डायरेक्शन अज्यूम किया है वो आपने अपोजिट कर लिया, ठीक है, मतलब एक्चुअली में करंट मेरा इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, वो गलत कर लिया आपने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया आपने, ठीक है ओके। जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वन अपॉइंट थ्री के। तो इस तरीके से ना आप अप्लाई कर सकते हो, केवीएल अप्लाई कर सकते हो। और हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आपको बोला गया कोई दो बैटरी है उनके साथ ये तीन रजिस्टर कनेक्ट है, आपको करंट बताना है कि कितना करंट पास होगा इस फोर ओम में से, ठीक है, ये करंट निकालना है आपको, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आया I1, और यहाँ से करंट आया I2, ठीक है, यहाँ से I1 आया और यहाँ से I2 आ रहा है, ठीक। अब ना यहाँ पे बेसिकली कितने अननोन है आपके, दो अननोन है I1 I2, तो आपको कम से कम दो लूप लेनी पड़ेगी, दो क्लोज लूप लेनी पड़ेगी, डिफरेंट लूप लेनी पड़ेगी, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लोज लूप ले ली ए बी ई एफ ए, ठीक है। अब आप इस लूप में मूव कर रहे हो, देखो कैसे मूव करोगे, अब यहाँ से जा रहे हो आप, करंट भी ऐसे जा रहा है और आप भी ऐसे जा रहे हो, तो जो यहाँ पे क्या लिखूँ इसको मैं टू आई वन, फिर आई वन वाला करंट नीचे जा रहा है, आई टू वाला करंट ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ से कि नेट करंट कितना होगा यहाँ से, ठीक है, नीचे की तरफ कितना करंट हो गया पहले वाले केस में, या फिर इसको आप आराम से लिख सकते हो ऐसे फोर आई वन, क्योंकि ये करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, करंट भी ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हो, और ये वाला करंट ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए मैं प्लस का लिख लूँगा, तो प्लस फोर आई टू, ओके। फिर आप यहाँ पे आए, कुछ नहीं, फिर माइनस से प्लस बेनिफिट टेन, और फाइनली किसके बराबर होगा, जीरो के, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया फोर आई टू माइनस फोर आई वन, सॉरी सिक्स आई वन इज इक्वल टू माइनस टेन, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिक्स आई वन माइनस फोर आई टू इज इक्वल टू टेन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ओके। अब हम लोग ना यहाँ पे दूसरी लूप ले रहे हैं बी सी डी ई बी, अब आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, अब ये जो करंट है वो भी ऐसे जाएगा आई टू वाला, लिखूँ फोर आई टू, फिर माइनस से प्लस बेनिफिट हुआ फाइव का, फिर आप जाए ऐसे रहे ऊपर की तरफ, और ये करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, देख रहे हो आई टू तो ऐसे ही जाएगा ना ऊपर की तरफ, तो माइनस फोर आई टू, और आई वन नीचे की तरफ आएगा, तो प्लस फोर आई वन, और फाइनली आप कहाँ पहुँच जाओगे, बी पे, ओके ओके। तो मेरे पास ये किसके बराबर होगा, जीरो के, तो यहाँ से मेरे पास आ चुका है एट आई टू माइनस का और प्लस का फोर आई वन इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस को मैंने इधर भेज दिया तो हो जाएगा फोर
माइनस फोर आई वन एट आई टू इज इक्वल टू फाइव, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और वहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है I1 I2 की। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, तो आपका I2 रिमूव हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 12, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 12 माइनस 4 तो प्लस 8, एक सेकेंड, आई वन 12 माइनस 4 प्लस 8 आई वन, ये होगा 20 और ये कितना है 5, तो 25, तो आई वन आ गया मेरे पास 25 बाई 8 एम्पियर। अगर आई वन आ जाएगा तो ऐसे आप आई टू निकाल सकते हो, इस आई वन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो आई वन की वैल्यू, सो 8 आई टू 4 आई वन, आई वन की वैल्यू क्या है अभी रख देते हैं हम लोग 25 बाई 8, ठीक, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ 8 आई टू इज इक्वल टू 5 प्लस 25 बाई 2, तो इसको आप लिख सकते हो 35 बाई 2 डिवाइड में 8, ये किसके बराबर है आई टू के बराबर है, सो 35 बाई 16 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट पास होगा, अब आपको पहले ही देखना हो कौन सा करंट ज़्यादा है, ठीक है, ये कितना है ऑलमोस्ट 3 के आसपास और ये कितना है 2 के आसपास, ठीक है, आई टू करंट ऊपर जा रहा है, I3 करंट नीचे जा रहा है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा यहाँ से जो पास हो रहा है आई वन माइनस आई थ्री, ठीक, और वो किसके बराबर है दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 25 बाई 8 35 बाई 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास 50 माइनस 35 15 बाई 16। ओके, तो इस तरीके से आप केवीएल अप्लाई करते हो, केवीएल थोड़ा सा लेंथी होता है बट आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये थोड़ा सा ईज होगा आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस वाले केस में, ऐसे यहाँ पे भी दो कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पे मान लो मेरे पास कुछ आइडेंटिकल सेल है जिनका ईएमएफ कितना है ई, रेजिस्टेंस कितना है आर और नंबर ऑफ सेल कितना है यहाँ पे एन, और इनको मैंने कनेक्ट कर रखा है सेम ऑर्डर में, ठीक है, ओके, और फाइनली वो किससे कनेक्ट है कैपिटल आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया बताओ करंट क्या होगा इसमें, ठीक है, तो करंट हम लोग इजीली लिख सकते हैं, मतलब इन सबको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, भाई इसका ईएमएफ कितना है ई, इसका भी ई, इसका भी ई, ठीक है, और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने का मतलब कि अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ ईएमएफ तो ये प्लस से माइनस लॉस मतलब माइनस ई, ये भी माइनस ई, ये भी माइनस ई, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे माइनस ई, ठीक है, माइनस ई माइनस ई माइनस टू ई माइनस थ्री ई, माइनस क्या बता रहा है आपको डायरेक्शन बता देगा करंट का, ठीक है, बट लगातार आपकी जो ईएमएफ वो इंक्रीज होती जा रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वलेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एन ई के इक्वल हो जाएगा। ओके, मतलब मैं इन सब सेल को रिमूव कर सकता हूँ बाय सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ इक्वलेंट, इक्वलेंट किसके बराबर है एन ई के बराबर है, और यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो आर, ये भी आर, ये भी आर, ऐसे कितने रेजिस्टेंस है एन और सब सीरीज में है, तो उनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा एन आर, और फाइनली वो किससे कनेक्ट है कैपिटल आर से। ओके, अब करंट आप इजीली बता सकते हो, करंट क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ई इक्वलेंट, ठीक, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे आर प्लस एन आर, ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट बता सकते हो। ओके, अब हम लोग ना इसमें एक चीज़ देखते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ आइडेंटिकल मान लो सेल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, आइडेंटिकल सेल है इस तरीके से, हर एक का ईएमएफ कितना है ई, और कितने सेल है आपके पास एन सेल है, ठीक है, उनमें से मैंने क्या करा एम सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, एम सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो बताओ नेट ईएमएफ कितना बचेगा या इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। टोटल पहले कितने थे मेरे पास एन, आइडेंटिकल सेल थे, हर एक का ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, उनमें से मैंने एम सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक, तो अब बताओ इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा एन माइनस टू एम इन टू में ई के। ओके, इसको हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास पहले पांच सेल थे, ठीक है, ऐसे पांच सेल थे, ठीक है, इनका मैं रेजिस्टेंस बाद में दिखा दूंगा आपको, इन सब का रेजिस्टेंस आ गया 5 आर, ठीक, अच्छा, बट वैसे बात तो हमारी इक्विवेलेंट की हो रही थी, इसको भी हटाई दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इनमें से मैंने मान लो एक की पोलैरिटी चेंज कर दी, किस तरीके से कर दिया, ओके, मतलब फिफ्थ वाले की पोलैरिटी चेंज कर दी, इसको मैंने उल्टी तरीके से लगा दिया, अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, तो ये कितना होता भाई ई माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का ई, तो नेट ईएमएफ कितना होगा मेरे पास 3e, ओके, लिख सकते ना, पहले मेरे पास क्या था 5e और बाद में कितना होगा 3e, तो जो नेट, ठीक है, अब इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं ऐसे लिख सकता था, देखो नंबर ऑफ सेल मेरे पास कितने थे 5, ठीक है, माइनस 2, कितने की मैंने पोलैरिटी चेंज करी 1 की,
इनटू में ई, तो यहाँ से भी मेरे पास आंसर किसके बराबर आ रहा है, थ्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला कुछ आया इसी तरीके से, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, अगर आप पोलरिटी चेंज करते हो सेल की तो ये काम करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि आपके पास कोई दो सेल है, ठीक है, उन दोनों का आपने कनेक्ट किया पैरेलल कनेक्शन के अंदर। अब आपसे पूछा गया कि बताओ यहाँ से कितना करंट पास होगा, तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि इस सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय सिंपलेस्ट सर्किट इक्वलेंट आर इक्वलेंट, ठीक, ये कैपिटल आर। आपको करंट बताना है पहले, तो करंट किसके बराबर होगा हमारे सिंपल फॉर्मूले से, इक्वलेंट अपॉन में आर इक्वलेंट प्लस में कैपिटल आर। ये आर इक्वलेंट किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है, ओके। अब आपको पहले पता होना चाहिए इक्वलेंट किसके बराबर होता है, इक्वलेंट होता है बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, ये मेरा इक्वलेंट है। आर इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल में, तो क्या लिखूँ आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू, जब आप इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास करंट भी आ जाएगा, ठीक, ओके। और एक बात और याद रखनी है, अगर ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है तो जब ये फॉर्मूला काम करेगा, अगर ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट होता ना तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर डिफरेंट पोलरिटी होगी तो ये माइनस का फॉर्मूला आएगा, अगर सेम पोलरिटी होगी तो ये प्लस का आएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आप करंट निकाल सकते हो। अब मैंने ना आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछले केबल के टाइम पे, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना आप कर सकते हो विद इन अ मिनट विद दैट फॉर्मूला। देखो कैसे, आप क्या देख रहे हो ये, ओके, ये क्या देख रहे हो, ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कैसा लगने वाला है, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो एक्स, देखो ये ई वन, ये मान लो ई टू, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, ई वन इंटू में आर टू, आर टू कितना है यहाँ पे फोर, देख रहे हो माइनस, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी है, ई टू इंटू में आर वन डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, वो तो सेम रहेगा, ठीक है, आर वन प्लस आर टू मतलब सिक्स, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा देखो टेन फोर्टी थर्टी बाय सिक्स मतलब फाइव, ठीक है, तो फाइव वोल्ट मेरे पास आ गया। अच्छा अब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, टू और फोर का, टू इंटू में फोर टू प्लस फोर, तो ये जगह मेरे पास फोर बाई थ्री। अब अपने को निकालना है करंट, तो करंट क्या था हमारे पास, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस में रजिस्टर, तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइव इंटू में थ्री, ये हो जाएगा फिफ्टीन प्लस सॉरी ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, तो आ जाएगा मेरे पास फिफ्टीन बाई सिक्सटीन एम्पियर। और आपको मैंने यहाँ पे भी ये बताया था 15 बाई 16, बट यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे लूप अप्लाई करे थे, उनको सिंप्लीफाई किया था, फिर फाइनली आंसर आया था। बट इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो विद इन अ मिनट विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को मैंने आपको यूज ही बता दिया कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मिक्स ग्रुपिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, मतलब ऐसे मेरे पास एन आइडेंटिकल सेल है जिनका ईएमएफ कितना है ई, रेजिस्टेंस कितना है आर, और ऐसे सेल सब किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब ऐसी कितनी रो है मेरे पास, एम रो है, ठीक है, ठीक है। और हर एक रो के अंदर कितने सेल हैं, एन सेल हैं, तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे सारे सेल किस में है, सीरीज में, हर एक का ईएमएफ कितना है ई, तो सबका नेट कितना आ जाएगा, एन ई, ठीक है, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, और पैरेलल में क्या चीज़ सेम होता है, आपका पोटेंशियल, तो इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, एन ई के इक्वल हो गया, पहली बात इक्विवेलेंट आ गया। अब हम लोग देखते हैं करंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, करंट कैसे निकालेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला अपना, ठीक है, इक्विवेलेंट अपोन में एक रेजिस्टेंस और भी जैसे हम लोगों ने पहले कनेक्ट किया था कैपिटल आर, ठीक है। अब आते हैं आर इक्वलेंट पे, यहाँ पे कितने रेजिस्टर है, एन, सबका वैल्यू कितना है आर, तो एन आर एन आर एन आर, ठीक है, ऐसे कितनी रो है मेरे पास, एम, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास आइडेंटिकल रजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वलेंट का, रजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस, या नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर कितना हो जाएंगे यहाँ पे, एम क्या जाएगा, एन आर अपोन में एम, ओके।